إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ عالمي تحريك سنّي دعوة إسلامي عظيم الشان رياسة تربية اجتماع आप जानते हैं कि तहरीक भी आलमी है और ये येवान भी आलमी है लेकिन एक नाचीज़ तालब इल्म के हवाले किया गया और वो इन दोनों आलमी तकाज़ों को पूरा करने से यकीनन कासिर है लेकिन एक तलब इल्माना कोशिश आप हज़रा के सामने करने की सादत हासिल कर रहा हूँ मौज़ बहुत तवील है इसके तकाज़े बहुत आमीक हैं और वक्त भी बड़ा मख्तर है नमाज -मगरिब करीब है मैं चंद ज़रूरी बातें बिला किसी तमहीद के आप हज़रा के गोशुज़ार करना चाहता हूँ सबसे पहले तो साल में एक मरतबा याज़ीमशाना इसलिए लिए मुनद किया जाता है कि ताकि यहाँ से साल तमाम की एक फ़िक्र लेकर जाए एक मिजाज लेकर जाए एक अंदाज लेकर जाए साल तमाम जो हमें दुनिया भर से फितने चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जलसे के मुंतजमिन इस बात को मद्दनज़र रख करनवाना के इतख करते हैं कि आइंदा दिनों में हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना है और उसको किस तरीक़े से उसके साथ मामला करनी है आज से नहीं आज से चंद साल कबल से सोशल मीडिया ये जराए अबलाग का एक नया पहलू और एक नया शिक है ज़राए अबलाग ये कोई नया नहीं है मीडिया ये कोई नया नहीं है बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का नाम मीडिया है ज़राए अबलाग है मवाती निज़ाम है लेकिन ये जितने ज़राए अबलाग के ज़राए थे ये तमाम किसी न किसी इदारे के तहत चलते थे किसी तंजीम के तहत चलते थे सोशल मीडिया का मतलब ही ये है कि इसके ऊपर किसी की इजारादारी नहीं होगी ये हर इंसान के हाथ में होगा हर एक को इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी को लोगों के सामने पेश कर सके अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे अहम तरीन बात यह है कि बिल्तफाक़ पूरी दुनिया में चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सोशल मीडिया के जितने भी नुकसान सामने आ रहे हैं इसके बावजूद किसी ने यह नहीं कहा कि सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक है सोशल मीडिया का बाईकॉट किया जाए सोशल मीडिया मुजर है सोशल मीडिया के जहाँ पर नुकसान है वहीं पर बेशुमार उसके फ़वाद भी हैं सोशल मीडिया अगर इसकी एक मुख्तर सी बात ये कही जाए तो ये एक ज़बरदस्त और मौसर तरीन ज़रिया है लोगों के पास अपनी बात को पहुँचाने का राय रायआम को हमवार करने का लोगों की फ़िक्रों को बनाने का लोगों को एक स्टेज पर और एक मकाम पर जमा करने का अब रही ये बात कि ये इतना आम प्लेटफॉर्म है कि इस तक पहुंचते-पहुंचते बहुत बहुं सारों के पांव फिसल जाते हैं बहुत सारे गलतियों में मुलविस हो जाते हैं और जो पहुंच जाते हैं उसका मैदान इतना वसी है कि बाज मरतबा शैतान उनको गलत कामों में और इंसानियत को तबाह व बर्बाद करने के तरीके सिखा करके उन्हें इस्तेमाल कराने लगता है तो फिर ये सोशल मीडिया की गलती नहीं उसके इस्तेमाल करने वाले की गलती है जो जिसे जिस तरीके से इस्तेमाल करता है उसका नतीजा वैसे निकलता है अजीजा निगरामी दुनिया भर के अंदर ये बात आज से नहीं 1400 साल से बराबर गैर मुसलमान यहूद और नसारा को खटकती है कि दुनिया के अंदर कोई मजहब अगर दुनिया की बागडोर संभाल सकता है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है और यह हक़ है इसमें कोई तो राय नहीं हो सकता है कि मुसलसिल हालात की परेशानी की वजह से बाज़ मुसलमानों का ये यकीन कमज़ोर हो रहा होगा कि अब मुसलमानों का क्या होगा लेकिन ये यकीन जानिए कि गैरों ने इतना रिसर्च किया है कुरान और हदीस पर कि उनको तो इतना यकीन है कि वो लोग जैसे अपने बच्चों पर शक नहीं कर सकते वो इस बात पर भी शक नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल अगर है तो मजहब इस्लाम है पूरी दुनिया में अगर कोई कोई मजहब पूरी दुनिया की बागडोर संभाल सकता है तो वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ही हो सकता है इसके अलावा कोई नहीं हो सकता अल्लाह के हबीब से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी को ऐसे गुजारा है इतनी पाक और साफ अंदाज में गुजारा है इतनी शफाफ अंदाज में गुजारा है दुनिया की तारीख के औराख उठा करके बहुत सारे ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारा है बहुत सारे लोगों ने जिंदगी गुजारा है इस इंसानियत को बड़े थॉट्स दिए हैं बड़ी बड़ी किताबें दी है बड़े बड़े इनको जिंदगी गुजारने के तरीके दिए हैं और दुनिया के अंदर बड़ी खिदमत अंजाम दी लेकिन गुजरते गुजरते उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ किया है मेरा काम नाकिस है अगर मैं और जिंदा रहता तो यकीनन मैं अपने काम को मुकम्मल कर लेता उसके बाद आने वाले उनके शागिर्दों ने उनकी की हुई रिसर्च पर उनके बोले हुए जुमलों पर रिसर्च कर कर कहा कि हमारे उस्ताद को यहाँ गलती हो गई है यहाँ वो नाकाम रहे हैं यहाँ उनको कमियाँ हुई हैं लेकिन कुर्बान जाए मेरे और आपके आका सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा है और आपके इस दुनिया से साले मुबारक से तकरीबन तीन महीने पहले की बात है आप हज़तुल हजतुलविदा में ठहरे हुए हैं एक लाख चौबीस हजार सहाबा का मजमा है आसमान ऊपर से देख रहा है जमीन नीचे से देख रही है सईद आलम सरफात के मैदान में ठहर कर कहते हैं सहाबा से पूछते हैं ऐ मेरे सहाबा मैंने जिस जिम्मेदारी को लेकर के आया था क्या मैंने उस जिम्मेदारी को तकवील किया या नहीं किया तुम तक अपनी बात को पहुंचा या नहीं पहुंचाया एक लाख चौबीस हजार साहबा ने एक आवाज कहा अंतुम अदुल अमारा व नसा तुम अल्लाह के हबीब ए प्यारे आका आपने अपना हक हाँ अदा कर दिया आपने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों हाथों को आसमान पर उठाते हैं और फरमाते हैं मौला आप गवाह हो जाना मैंने अपनी बात की तकमील कर दी अल्लाह ने मोहर सब्द कर दिया और फरमाया मेरे हबीब अल अखमल अचम लकुम अल इस्लाम हबीब जिस शक्ल में आपने दीन पहुंचाया है आज हम कहते हैं कि यही हमारी मंजिल थी हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और यह हमारी मर्जी के मुताबिक दीन है जो आपने फैला दिया है तीन महीने उसके बाद बाकी थे लेकिन अब तीन महीने पहले अपना काम तकमील फरमा दिया और फरमाया कि कियामत तक दुनिया बदलती जाएगी सवार बदलेगे लेकिन मुसलमानों हिम्मत के साथ जिंदगी गुजारो ताकत के साथ जिंदगी गुजारो तुम्हारे नबी के अलावा इस दुनिया में किसी का आइडियल नहीं है दुनिया तरक्की करती जाए आसमान पर, पर भी अगर अगर चांद पर भी अगर जिंदगी गुजारने का मौका नसीब हो तो फिर मेरे आका मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही आइडियल हो सकती है सबसे अहम जरूरत इस बात की है कि वो कॉन्फिडेंट वो यकीन हमारे अंदर पैदा हो अजीज़ा ने गिरामी आज सोशल मीडिया के जरिए दो बड़े अहम मुहिम चल रही है नंबर एक दुनिया भर की इंसानियत को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए वर्गलाया जाए उकसाया जाए इस्लाम की शबी को मुतासर कर दिया जाए इस्लाम की शबी को बिगाड़ कर पेश किया जाए इस्लाम की शबी पर तरह तरह के रंगीन पर्दे डाल करके बतलाएं कि ये वो इस्लाम नहीं है इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे हो आप जानते हैं उसके लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए बड़े बड़े काम अंजाम दिए मैं ये कह सकता हूं आज दुनिया तहकीक करके कह रही है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना यह कोई इत्तेफाक नहीं था यह बाजाबता प्लानिंग थी इस वजह से थी कि दुनिया भर के मुसलमानों को बदनाम किया जाए आप अंदाजा करें कि कितना डरते हैं हमसे लोग कितना खौफ खाते हैं हमसे इतनी बड़ी इमारत को फलक बोस इमारत को जमीन दोस्त कर दिया क्योंकि उतना बड़ा बेस चाहिए था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप जानते हैं कि इस्लाम के नाम से इस्लाम की पगड़ियां बना करके बड़ी बड़ी जमातों को तैयार किया जो सरेआम वीडियो क्लिप्स बना करके लोगों का कत्ल कर रहे हैं जला रहे हैं और फिर समंदरों में डुबो रहे हैं करंट दे करके करंट की कुर्सी पर रख करके मार रहे हैं और इसको पूरी दुनिया में गश्त कराया गया ये बतलाने के लिए देखो ये मुसलमान है वो अपनी जबान से कलीमा पढ़ते हुए कर रहा है वो अपनी जबान से कुरान पढ़ते हुए कर रहा है ताकि दुनिया को यह पैगाम जाए कि मुसलमान इतने सख्त होते हैं इस तरीके से मार देते हैं औरतों को बच्चों को नौजवानों को मासूमों को ताकि उनके पास एक जवाब मिल जाए डरते हैं ये लोग खौफ खाते हैं ये लोग इनकी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हमारे नाम पर खर्च करते हैं कि कहीं मुसलमानों को रोक दे डर है इनको अरे तरक्यात पर खर्च करें डर इस बात का है कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम के गुलाम है ये खामोश बैठे हुए हैं तो ना समझो कि ये खामोश है इनके दिलों के अंदर शमा जल रही है मोहब्बत रसूल की इनके दिलों के अंदर अल्लाह के हबीब और अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी शमा चल रही है कि ये लोग जब उठेंगे तो पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो जाएंगे ये खौफ है उनके पास तो सबसे पहला काम पूरी दुनिया के लोगों में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें एक अहम बात समाप्त कर देखिए पूरी दुनिया के लोगों का एक सरसरी जायजा ले तो बाज मुसलमान यानी दुनिया का एक अरब हिस्सा एक अरब आबादी मुसलमान है बाकी पूरे गैर हैं थोड़े से दुश्मन हैं एक नजर एक आप एक नजरिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब कोई दुश्मनी होती है तो दुश्मन पूरे के पूरे नहीं होते एक मीडिया किसी किस्म की बात करता है मिसाल के तौर पर इस्लाम की दुश्मनी में तो उसके सामने पूरे मुसलमान होते हैं और दुश्मन अपनी तरफ होते हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने सब बसता है लेकिन ये दुश्मन का नजरिया ये नहीं होता कि मुसलमानों को मुतासर करे क्योंकि दुश्मन भी लिमिटेड है और दोस्त भी लिमिटेड है और बीच का जो तबका है जो नॉर्मल है जो ना दुश्मन है ना दोस्त है जो बिल्कुल कॉमन लोग है इनकी तदाद सबसे ज्यादा है वो भी लिमिटेड है और ये भी लिमिटेड है दुश्मन चाहता है कि वो जो कॉमन लोग है जो सादा लो लोग है ना वो दोस्त है ना दुश्मन है बिल्कुल सादी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो टारगेट है उनको टारगेट बनाकर के अपना कर लिया जाए उनके सामने गलत तस्वीर पेश करके उनको अपना कर लिया जाए गिरामी हमें इस नजरिए को और इस साजिश को समझना बड़ा जरूरी है जितनी इनकी काम है ये इसी नजरिए के है कि वो कॉमन अवाम चाहती है कि सादगी से जिंदगी गुजारे पुर अमन जिंदगी गुजारे अपने जान की हिफाजत हो अपने माल की हिफाजत हो अपने आप की जिंदगी की हिफाजत हो सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारे उनकी जो जरूरतें हैं ये लोग पेश करते हैं कि मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है जो बड़ी सख्त मिजाज है बड़ी तुर्श रूह है बड़ी बर, द, बड़ी सख्त दिल है कि वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करती दूसरों के मज़ाहिब को बर्दाश्त नहीं करती दूसरों को मारने में वो हो जाती है ये नजरिया पेश करते करते लोगों को डरा दिया गया है धमका दिया गया है परेशान कर दिया गया है और मुसलमान जवाब दे रहे हैं तो सिर्फ दुश्मन को नजर में रख करके छोटी सी मिसालें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं हाल ही से बर्मा का मामला हुआ सोशल मीडिया के ऊपर पूरे फोटोज़, वीडियो क्लिप्स आए सबको मालूम है कि बर्मा के अंदर म्यांमार के अंदर किसी मीडिया वाले का दाखिला ममनू था आलमी मीडिया हो या मुल्की मीडिया हो या लोकल मीडिया हो इनमें कोई एक का दाखिला भी वहां पर नहीं था इसके बावजूद रोजमर्रा आप मुसलमानों के कटने के जलने के इनको मारे जाने के वाकयात आप रोजाना देख रहे थे तकरीबन साल दो साल लगा अकवा मुत तक ये बात पहुंचने के लिए जब ये बात अकवा मुत तक पहुंची सवालत किए गए जीजा ने ग्रामी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान अपने दर्द को और अपनी तकलीफ को जवाब क्यों सही तौर पर नहीं दे सकते उसके फौरी बाद सोशल मीडिया के ऊपर यह काम हुआ कि वहां से चंद तस्वीरें और नशर की गई कि वो उसमें अंदर यह बतलाया गया कि वो बुद्धिस्ट बुद्धिस्टों के जो उनके बड़े रहनुमा है वो दौड़ रहे हैं उनके पीछे कोई दौड़ रहा है कोई उनको मार रहा है कोई मुसलमानों के हाथ में बंदूक और पिस्तौल दी गई है फोटो लेकर बताया गया कि यह दहशतगर्द है ये पहले इस तरीके से मार रहे थे इस वजह से हमने इन्हें मारा और आप देखें हम लोग गैर महसूस अंदाज में खुश होकर के नीचे कमेंट लिखते गए कि अल्लाह का अजाब अब आ गया है अब मार्च हो रहा है उसकी फोटोज को लोकर करके पेज पोस्ट कर दिया गया नीचे लिख दिया गया कि अब तुर्की फौज म्यांमार में आ चुकी है अब उनके तहस नहस कर देगी कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली थी ये तमाम के तमाम उन्होंने सेंड किया था अब इसको लेकर के वो तमाम पेश करने लगे कि अब लोगों के अंदर जो मुसलमानों से मोहब्बत थी और जो मजलूमियत की मोहब्बत थी वो खत्म होने लगी और कहने लगे ए, समझ में आ गया कि मामला रफा दफा होने वाला है मुस्लिम कौमें भी उठ गई है और मुसलमान खुद हथियार ले लिए हैं और बाद में आप टी वी चैनल्स के डिबेट आपने देखा कि मुसलमानों ही को दहशत गर्द कर दिया करा दिया गया और डिबेट से बात की गई क्या ऐसे जालिमों को और दहशत गर्दों को क्या आप अपने मुल्क में रखेंगे इसको शेयर करने वाले हम लोग इसको फैलाने वाले हम लोग इसको लोगों में पहुंचाने वाले हम लोग और हमारी पूरी मुहिम को और क्या हुआ ना कोई मुस्लिम मुल्क आकर के म्यांमार में मदद किया और ना कुछ हुआ हालात रफा दफा हो गए वो लैन से बड़ी बड़ी हजारों की खबरें वैसी ही रह गई और वो खून कोई असर नहीं कर सका और मुसलमान दुनिया भर के फिर खामोश हो गए ये पॉलिसी है मैं अर्ज कर रहा हूं एक वाले हो तो मेरी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी के पूरे पूरे मसाइल का हल है कशकोल फैला के आखा के दरबार में पहुंच जाइए पूछिए आखा हमारे साथ ये हो रहा है जुल्म भी हम पर होता है और कातिल भी हमें ही करार दिया जाता है इन हालात में आका क्या करें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है आज जो आपके साथ में हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा सख्तरीन हालात थे मक्के के हालात मैं और आप यकीनन खराब हो सकते हैं खराबियां बहुत हैं बहुत है सुधार की बड़ी जरूरत है। अगर कोई मुझसे दुश्मनी कर रहा है तो शायद वह हक बजानब भी होगा अगर कोई मुझसे नफरत कर रहा है तो मुझमें बास चीजें ऐसे भी हैं जिससे नफरत की जा सकती है लेकिन मैं उस जाते आली की बात कर रहा हूं जो सरता सर तर मुहबत है आसमान उससे मोहब्बत करता है मोहब्बत करती है जिनसे नफरत का कोई कोई जरा बराबर भी तस्वुर भी मुमकिन नहीं लेकिन ऐसी जाते आली के मुतालिक मक्के की सरजमीन में मुहिम चलाई गई आज का मीडिया सोशल मीडिया है टीवी चैनल है तो उस जमाने में यह नहीं था इनफरादी तौर पर लोग पहुंचते थे लोगों के घरे घर जाकर के कहते थे मक्के के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम के खिलाफ मुहिम उठी नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम को कहा गया। शायर कहा कहा गया, गया, मजनून कहा गया तरह तरह के इल्जाम लगाए गए लोगों को पढ़ाया गया समझाया गया फिर फिर कर दुहाइयां दी गई उनके मजहब की दुहाई दी गई उनकी जानो माल की दुहाई दी गई कि बच अपने आप को बचाओ हज का मौसम है मक्के के बाहर से जितने लोग हज करने के लिए आते हैं अलग अलग रास्तों पर लोग ठहर जाते हैं और लोगों को रुका कर कहते हैं सुनो सुनो बड़ी खतरनाक आफत आ गई है परेशानी आ गई है पूछा क्या हुआ अरे तुम्हारे मक्के के अंदर एक मोहम्मद नामी शख्स पैदा हुआ है वो लोगों को अपने दीन से भटका रहा है अपनी दीन की तरफ ला रहा है उसको देख करके लोग बहुत परेशान हैं हम तुमसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं कि मक्के में दाखिल होने से पहले अपने कानों में रुई रख लें अपने कानों में उंगली रख लें ये गलत प्रोपगंडे का नतीजा था और लोग करते थे तारीख में ऐसी प्रोपगंडा और इस तरीके से गलत फहमियां नहीं फैलाई गई जो हजूर के जमाने में हुई है वाकई बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं तो अपने आंखों में अपने कानों में उंगलियां लगाई हुई मक्के के अंदर के हालात ऐसे ही है मर्द औरत सब मुतासर है इन हालात में एक बूढ़िया है जो अपने घर को खाली करती है बड़बड़ाते बड़बड़ाते कि हम इतने साल से यहां पर है मक्के को छोड़ के जाना पड़ रहा है इसलिए कि वो मोहम्मद नामी नौजवान जो को है आएगा और हमें अपनी बुतों से और अपनी आबाई दिन से भरा लेगा फौरन अपने घर का पूरा सामान कपड़े में बांध लिया और रख लिया और रखकर किसी मजदूर का इंतजार करने लगी और कहने लगी कि कोई मजदूर आ जाए तो मैं सामान लेकर के मक्का छोड़कर ही चले जाती हूं अपने दिन की हिफाजत के लिए अपने मजहब की हिफाजत के लिए इंतजार करने लगी इंतजार में वक्त लग गया कुछ घंटे बीत गए थोड़ी देर के बाद क्या देखती है कि खूबरू नौजवान बहुत ही चेहरे से नूरानी है गुजर रहे हैं वो बूढ़िया कहती है कि बेटा मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है आपका जरूरत इस बात की है कि आपके पास कितना टैलेंट है कि आप उनको अपना बनाएं। हम लापरवाही किए गफलत किए हमें अपनी दुनिया ने मुतासर करकर अपने आप में मसरूफ रखा गैरों ने उनको अपना बना लिया नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को दे गए विदाही के मौके के ऊपर जब पूरा खुतबा खत्म हुआ तो फरमाया फल्यू बल्ली कि शाहिद तुम में से जो यहां पर है वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि मेरी इस बात को दूसरे तक पहुंचा दे हुजूर ने फरमाया बल्लिगु गु अन्नी वा आया मेरी बात को एक बात क्यों न हो दूसरों तक पहुंचा दो हमने इसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्टेज वालों पर छोड़ी है हमने इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अहम यानी सिर्फ यानी बड़े मुकर्ररीन के ऊपर छोड़ी है याद रखे मोहम्मद अलैहि वसल्लम का हर उम्मती अल्लाह के रबी वसल्लम का हर उम्मती मुबलग है मुबलग इस्लाम है हुजूर की दावत देने वाला है तो दूसरा अहम तरीन काम जो होता है सोशल मीडिया का वो ये मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार कर दे एक तो गैरों के मुतालिक आपने सुना डरा दें, इनके हवास कर दें। इनके आजा को मुजमहिल कर दे तमाम लीचिंग के मामला और पूरे मजमूनी तौर पर मुसलमानों पर हमले जो हो रहे हैं ये तमाम वाकयात इसलिए नशर किए गए ताकि आपकी हिम्मतें टूट जाए आपके हौसले पस्त हो जाए तोजीजा ने ग्रामीण आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि करनी क्या चाहिए यह तो दो उनकी पॉलिसी करनी ये चाहिए कि कि याद रखें कि सोशल मीडिया एक अखबार है आपको जो जगह मिल रही है फेसबुक के ऊपर यह आपका अपना अखबार है हमें अफसोस होता है देख करके इसके ऊपर मैं अपनी फोटो डाल रहा हूं मेरी अपनी खबरें डाल रहा हूं मेरे अपने एक्टिविटीज डाल रहा हूं आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि वो आपका अखबार है आप उसको लेकर के फैलाए कोई रुकावट नहीं है वो इसके आपके अपनी चीजें डालने के लिए, लिए। इस्तेमाल आप ऐसे कर रहे हैं अमेरिका की एक रजाकारा तंजीम है उसका नाम है होप नॉट ए हेट उन्होंने तहकीक करके बतलाई कि सिर्फ एक खातून के मुतालिक बतलाया दो सौ सत्तर ट्विटर के उन्होंने ऐसे बूट्स बना है बूट्स कहते हैं ऐसे ई सॉफ्टवेयर को जो ऑटोमेटिक यानी उसको एक बार सॉफ्टवेयर बनाए थे ऑटोमेटिक डेवलप करते हैं इस्लाम मुखालिफ सवालत को वो डालते हैं उसके बाद कोई जवाब दे तो उसका रिप्लाई भी करते हैं बेशुमार उसकी आम करते हैं बूस्ट करते हैं 270 सिर्फ एक खातून बनाई है बताओ मुसलमानों क्या हमारे अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं क्या आईटी प्रोफेशनल्स नहीं हैं आपकी सलाहियत है किस दिन के लिए है अल्लाह ने फरमाया है मुसलमानों मुसलमानों तुम्हारी जान को तुम्हारे माल को तुम्हारी सलाहियतों को अल्लाह ने मोहम्मद की गुलामी के लिए खरीद लिया है अगर तुम इसे दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो तो खियानत है इसके अवलीन हकदार से ये दुना मोहम्मद है अगर तुम अपनी सलाहियतों को मुनजम अंदाज में करें तो क्या मजाल हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर कोई चीज आई तो लाइक शेयर कमेंट इसके अलावा नहीं और इसी को हम कहते हैं सोशल मीडिया भी हम एक्टिव एक्टिव है सुनिए कि एक्टिव नहीं है आप दूसरों के आलहकार बन रहे हैं एक्टिव जब है कि बात आपकी हो शेयर कोई दूसरा करे आप दूसरे की बात को शेयर करते हैं कितने लोग हैं इन तमाम में हर एक का सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट होगा किस काम का है अगर वो मेरे उसके अंदर दीन की शाह नहीं होती है याद रखें इसके लिए फ्री का काम नहीं मैं तो दरख्वास्त करूंगा जिम्मेदारों से कि सुन्नी दावत इस्लामी का भी आई टी सेल है लेकिन मैं कहूंगा कि दावत तबलीग के हवाले से गैर मुस्लिमों के अंदर जो जो एतराज थे उसके मुतल बा प्रोफेशनल्स को रखकर पैसा खर्च कर कर हर तंजीम हर दौलतमंद ये काम करे ये काम ऐसे ही आसानी से नहीं होगा इसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा पैसा लगाना पड़ेगा प्लानिंग करना पड़ेगा वहाँ पर सामने जो बैठे हुए लोग हैं बड़े एजुकेटेड है हजूर की मुबारक नबी पाकल्म के दीन आप क्या समझ रहे हैं इस दीन को चलाने के लिए एजुकेटेड लोग चाहिए पढ़े लिखे लोग चाहिए बासलाहियत लोग चाहिए मुहजस लोग चाहिए बावकार लोग चाहिए कुव्वत और ताकत वाले लोग चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लहुम लहुम मस्ततातुम मस्ततातुम रिबातिल मिन आदो तुम्हारे पास जो कुछ हो सकता है वो कुव्वत को इस्तेमाल करो सोशल मीडिया कोई हैसियत नहीं रखती अगर आप किरदार में जाए सोशल मीडिया आपके गुलाम बन जाएगी असीर बन जाएगी आखिरी बात अफसोस के साथ अर्ज करता हूँ जिस तरीके से गैर है वैसे ही खादियानी ने भी बहुत सारे सोशल मीडिया के अपने फर्जी नामों से मुसलमान नामों से अपने अपने अकाउंट खोल रखे हैं उसमें क्या कर रहे हैं बार बार गुलाम अहमद खादियनी की फोटो पोस्ट करते हैं आप उस पर गालियां लिखते हैं लिखते ही आपके तमाम लोगों के पास होते होते ये हो गया कि अगर कोई गैर आज गूगल पे जाकर के नबी टाइप करके देख ले फोटो में पहले उसकी तस्वीर आती ये हमारे लोगों ने किया छोड़ दें कोई ज़रूरी नहीं है आपको अजीज़ा ने ग्रामी सोशल मीडिया ये आपको अच्छे तौर पर इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा काम है और अगर गफलत से दिलचस्पी के लिए अगर सिर्फ टाइम पासिंग के लिए इस्तेमाल करें तो साबित हो सकता है बड़ा तवील मौजू है लेकिन वक्त हो चुका है मैं आखिर में अल्लाह रब्ल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम आमल के तोफ़ी नसीब फरमाए हज़ूर नबी पाक सल्ला वसलम के सच्चे गुलामी नसीब फरमाए वाखदान इनशल अभी अजान मगरब होगी आप सबसे गुजारिश है कि सफ़े बना लें जो वज़ू के लिए जाना चाहते हैं जल्द से जल्द वज़ू के लिए चले जाएँ और जल्दी से वापस आ जाए मगरिब की अजान होगी इंशाल्लाह आप लोग सब बना लें सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या स्टेज पर तशरीफ़ न लाएं जो नीचे हजरात हैं वो नीचे ही सब बना ले ताकि सफ़े मुकम्मल हो सके and spend from what we have provided you before death approaches any one of you and he then says, my Lord, why did you not give me respite of little while so I would have given charity and become of the virtuous O oh people, O oh people who believe. May not your wealth or your children cost you neglect the remembrance of Allah, and whosoever does this, so it is they who are in loss.

And spring from what we have provided you before death approaches any one of you, and he then says, My Lord, why did you not give me respite of little while? So I would have given charity and become of the virtuous. <laughs> और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत न देगा जब उसका वादा आ जाए और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है एंड अल्लाह रिस्पेक्ट टू एनी सोल इट्स एंड इज अवेयर ऑफ डीड्स अल्लाह ने सच कहा जो आजमत वाला है अल्लाह द ग्रेट सचर सलामकुमर नारा ये तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत, नारे गौस सरकार की ग़ुलामी अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब की नमाज मुकम्मल हुई उसके बाद आपने कुरान करीम की आयत और उसका तर्जुमा समात किया ये बार बार हर नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत इसलिए होती है कि आप हज़रा के दिलों में भी अल्लाह के इस मुक़दस कलाम की तिलावत का शौक़ पैदा हो इसके तर्जुमे का शौक़ पैदा हो जो हजरात उर्दू पढ़ना जानते हैं उनके लिए उर्दू में कंजुल ईमान मकतब तयबा पर मौजूद है जो हज़रात अंग्रेज़ी जानते हैं उनके लिए अंग्रेज़ी में कंजुल ईमान मकतब तयबा पर मौजूद है इनके अलावा अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के कई तसानीफ मकतब तयबा पर मौजूद है आमाल अकायद के हवाले से और भी आलसन्नत की तसानीफ मकतब तय पर मौजूद हैं स्टिकर्स तावीज़ा बहुत सारी चीज़ें आप एक मरतबा जाएँ और जाकर ज़रूर देखें और साथ ही साथूर पाक सल्ला वसल्लम के तिप से मुतल कई चीज़ें मकतब तय पर मौजूद है जिसमें हजूर की पसंदीदा ग़ा तलबीना यह भी मकतब तया पर मौजूद है और मिट्टी के बर्तन नात शरीफ के मेमोरी कार्ड्स पेन ड्राइव्स ये सारी चीज़ें आपको मकतबे पर मिलेंगी जब आप यहाँ से जाने का इरादा करें या किसी काम से जा रहे हों तो एक मरतबा ज़रूर मकतब तयबा पर विजिट करें मैं गुज़ारिश करता हूँ हैदराबाद के सुन्नी दावत इस्लामी के मबलिक जनाब अलहाज मिर्ज़ा आरिफुल्ल बेग साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़ूर पाक सल्ला वसल्लम की मदास असल वरम् वालेकाम नात शरीफ पेश के नए साथ आइए इस नात को आप और मिलकर पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप के आपके में आ सारे जहाँ को दिन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इल्ला ला। आप आपके सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला बे दिनों ने कल मड़ा लह्ला हसबी रब्बी जलल्ला माफ़ी कल भी गैरुल्ला नूर मुहमद ल है ल सिमत नबीबू जहल गया आखा से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मूठी में है क्या सिमत नबीबू जहल गया आखा से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मूठी में है क्या खा का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मुठी से पत्थर बोला लाइ ली ला। रब्बी जल्लाह माफी कल बी गैरला नूर मोहम्मद सल्लल्लाह Hái, अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या के छुप के पढ़ती थी अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या के छुप के पढ़ती थी बहन ने जब कुरआन पढ़ा सुन के कला में पाके खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला हस बी ज्ला नूर मुहम सल्ला व वो जो बिला हबशी है सरवर दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक़ की आँखों का वो तारा है वो जो बिलाले हबशी है का प्यारा है दुनिया के हर आशिक के आँखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पेरा का फिर भी लब पर जा था ला ल इला हसभी रबी जल्लाफी खली गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्ला लाला ला इला दुनिया के इंसान सभी फिर को बिदत करते थे रब के थे बंदे फिर भी बुध की इबादत करते थे दुनिया के इंसान सभी फिर को बिदत करते थे रब के थे बंदे फिर भी बुद्ध की इबादत करते थे बुद्ध खाने हैं आए मेरे नबी है जब आए कहने लगे मखलूक खुदा لا إله إلا الله حسبي ربي جلّ الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلّى الله इलाग इलाग। ला ल गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूख सभी जिक्र खुदा का करती है गुलशन कलमा पढ़ते हैं चिड़िया कलमा पढ़ती है दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है कहते तभी है जिन बशर कहता शजर है कहता हजर कहता है पता पता इला नूर मुहम्मद सला इला मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता उजमेरी मेरी नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी चाहे गौ से आजम हो या हो दाता मुझ मेरी याद नहीं तुम्हें वो मंजर खा जाने जब खुद चल कर नवे लाख कपड़वाया لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ميري مولا ميري خدا توهي خالق أرض سما تو ہی مالك روز جزا مهو سرابا جرم مُخْتَارٍ ميري बोला मेरे खुदा तू ही खाल के अर्ज समा तू ही माल के रोज जजा मैं हूँ सरा पा जुर्म खता फिर भी तुझसे है ये दुआ वक्त नजा जब आए मेरा लब पर हो बस एक सदा لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله السلام عليكم سبحان الله سبحان الله يا رسول الله हमें महसूस फरमाए अब आप करें नारे तकबीर नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी सरकार की गुलामी एस डी आई का काम करे इल्म आम करे एस डी आई का काम करे نار رسالة علماء أهل السنة علماء أهل السنة نار رسالة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول फखुज़ूहु वमान कुम अनु फंत हुद्लाहु लजीम गौ से आज़म बमने बे सरो मददे किबल दी मददे काबय ईमा मददे बगी बेबला उफ्ता दश्ती ग़यो शक्िस्ता रातु पुश्ती बहक के ख्वाज उस्मान हारून मदद कुन या मुईन उद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोन चिश्ती मिंबर पर रौनक अफरोज़ लायक सत तकरीन शहजाद हज़ूर मखदूम सिमना हज़रत लामा डॉक्टर सैयद सैद अब्दुललीम जाइ मदज़िल्ला बरदर जी क़द्र शहज़ाद हज़ूर गौसलवरा हजरत लामा डॉक्टर सैयद रिजवान पाशा कादरी, जिलानी जीलानी मुद्दिलहुल बरदर जी कदर शहजाद हज़ूर बंदा नवाज हज़रत सैद काशिफ पाशा चिश्ती बंदा नवाजी मद्दजिलहली बिरदर बुजुर्ग आलमी शहरत याफ्ता सना खाने रसूल, बुल खान रसूल बुलबुल बाग मदीना अलहाज़ कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब कि और इंतहाई मुशफ़ बिरदारी हजरत हसान फारुकी साहब, दावत इस्लामी आंद्रा व तेलंगाना जुमला जवील एहतराम सादात क्राम उलमाए क्राम हाजरीन सुन्नी इज्तम असल वरम्ह वाले हमारा ये मिंबर मंबरए क्राम और सदात क्राम और मशाइन एज़ाम से जगमगा रहा है और सबके नाम मुझे मालूम नहीं है और मालूम भी हो तो सबके नाम लेना मुमकिन नहीं है वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मैं अपने सारे बुज़ुर्गों की नज़र दो मिसरे करता हूँ ये बज़ में मैं है जा में जम नहीं ये बस में मैं है जामे जम नहीं अहमद मुज मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवा नाफिदा सल्ला वसलम की बारगाहे बेकसपना में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा आप भी मेरे साथ मिलकर बाबा से बुलंद पढ़े या नबी अल्लाह या या वा या वा 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 था। था। वाह क्या जोदो करम है शहे बता तेरा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा धारे चलते हैं आता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने बर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खसर अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा और इरशाद फरमाते हैं इमाम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि अ वसल्लम की बारगाह में कि तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा मेरे प्यारे आका अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों शहर मोहब्बत हैदराबाद की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का ज़िमुलशान रूह परवर ये सालाना इज्तमा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रोज़ बरोज तरक्की पर है आपने मुझसे पेशतर एक से खुतबा की ज़बानी उनके अपने ख़यालात और मलफूज़ा समात फरमाए और मेरे बाद हम सब की अमीर कायद मोहतरम दाइ कबीर आलमी खतीब इस्लाम अल्लामा हाफिज़ो कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला से आप फिक्रंगेज़ खिताब इनशाला समात फरमाएँगे मैं भी बहुत मख्तसर वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु सल्हुस वसलम के प्यारे दीवानों सवाद अजम अहल सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद इज्तम करने का ये है कि हम सिर्फ आमाल की असलाह नहीं चाहते बल्कि हमारा मकसद आमाल से पहले अक़ायद की इस्लाह है इसलिए कि जब तक के अक़ीदे में इस्लाह नहीं होगी उस वक्त तक के अमल की इस्लाह तो हो ही नहीं सकेगी और अगर अमल में इस्लाह हो भी गई बفرض महाल, तो वो इस्लाह काम आएगी दुनिया में और ना आखिरत में उसकी कोई अहमियत होगी इसलिए कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है उस वक्त तक अमल कभी काम आ ही नहीं सकते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल अकीदे पर मेहनत की है मक्के की सरजमीन पर उसके बाद बहुत कम अरसे में अमल पर मेहनत की गई मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों तकरीबन हिंदुस्तान में दो सदियां कमो बेश बीत रही है इस हिंदुस्तान के अंदर जब से अंग्रेजों के मनहूस कदम आए हैं उस दिन से लेकर आज तक जाते माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलग अलग अंदाज में हमले किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश इस बात पर सर्फ की जाती है कि किसी तरह से मुसलमानों को अल्लाह के नबी वसल्लम से दूर कर दिया जाए मुस्तफ़ा जान रहमत वसल्लम की अजमत लोगों के दिलों से निकाल दी जाए आकए करीम वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल दी जाए इसलिए कि पूरी दुनिया का इंसान अच्छी तरह जानता है कि मुसलमान जब तक के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत करे हुजूर की मोहब्बत में तड़पता रहे हुजूर की मोहब्बत को दिल में रखे दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को कभी गुमराह नहीं कर सकती मुसलमानों को कभी ज़ेर नहीं कर सकती मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं दे सकती इसीलिए अकाय करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर अलग-अलग अंदाज़ हमले किए जाते हैं कभी तोहेद के नाम पर मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है आकाई करीम वसल्लम की जात को कभी तनकीद का निशाना बनाया जाता है अलग अलग, अलग अंदाज में हजूर आसम के हवाले से बातें की जाती है कभी इस बात का मौका हाथ से जाने नहीं देते मुस्तफ़ा जानमतम की अजमत पर वह तनकीद करें इस तरह के मौाक

करते रहेंगे इसलिए कि हमारी जिंदगी ही इसीलिए है हमारी जबान ही इसीलिए है मेरे प्यारे आका आकशल के प्यारे दीवानों आज कल पूरे हिंदुस्तान से मुख्तों से ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि शरीय का तहफ़ होना चाहिए शरीय का तहफ़ होना चाहिए यकीन सवाद अजम सुन्नत व जमात की भी यही मर्जी है यही हमारी तमन्ना भी है इसलिए कि पूरी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अस्सी फीसद से ज्यादा सुन्नत व जमात के मानने वाले मौजूद हैं मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों शरीयत हमारी है दीन हमारा है मसलक हमारा है मजहब हमारा है यकीनन शरीयत का तहफुज होना चाहिए लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों एक जुमला में अपनी कौम को जरूर कहना चाहता हूँ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हम शरीयत के तहफ के लिए रास्तों पर आ रहे हैं नारे लगा रहे हैं हम एहतजाज कर रहे हैं लेकिन लेकिन एक सवाल मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दुनिया इससे मतासिर क्यों नहीं हो रही है इसलिए आप मुझे बताएं क्या शरीयत हमारे घर में मौजूद है अगर शरीयत का तहफूज हमारे घर के अंदर होता तो बिस्तर पे फजर की नमाज कजा ना होती हमारी बेटियां बेपर्दा ना घूमती हमारे घरों के अंदर फिर मोर के नाम पर भजन बजता हुआ नजर ना आता मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और कुफरिया कलिमात हमारे घरों के अंदर खुद बच रहे हैं और उसके बाद हम शरीयत को तहफुज देने के लिए निकले हैं मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों मुल्क में शरीयत के तहफ के लिए आपको बड़ी मुश्किल है लेकिन अपने वजूद पर शरीयत को नाफि करने के लिए कौन सी मुश्किल है अगर हीरो पांच हजार रुपये का जूता फिल्म में पहन लेता है तो मुसलमान दूसरे दिन मार्केट से उसकी नकल में पांच हजार रुपए का जूता खरीद करके लाता है और इस्लाम का मानने वाला जुमा की नमाज के लिए पांच रुपए की टोपी खरीद करके नहीं ला सकता जो काम नमाज जुमा की दो रेकत मस्जिद के चंदे की टोपी पर अदा करे वो कौम शरीयत को तहफुज क्या फराहम करेगी मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों खोखले नारों से निकलो हकीकतों की तरफ आओ बहरहाल ये उन्वान जुदा है तहफुज शरीयत का लेकिन तहफुज शरीयत के नाम पर एक आवाज़ जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और शरीयत से ना बलद लोग और शरीयत से ना वाकिफ लोग आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बारे में बातें कर रहे हैं और कभी कभी ये जुमले कह जाते हैं कि शरीयत में तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तब्दीली का कोई हक नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत में किसी चीज़ को अल्लाह जो है वो जायज और नाजायज नहीं कर सकते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों लोगों को पता ही नहीं है कि शरीयत है क्या अगर कोई मुझसे पूछे कि शरीयत क्या है तो मैं यही दो मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि अल्लाह हु अकबर इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना रियाजत इसको कहते हैं शरीयत क्या है अल्लाह हु अकबर मुस्तफा जाने रहमत बोलते तो अल्लाह का कानून बन जाए शरीयत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम है अल्लाह हु अकबर मेरे सरकार जो करे उसी को शरीयत कहते हैं आकाए करीम बोले तो शरीयत है हुजूर चुप हो जाए कहीं पर तो वो भी शरीयत बन जाती है आकाए करीम करे तो शरीयत है हुजूर रुके तो शरीयत है बल्कि अल्लाह हु अकबर हुजूर कहीं अल्लाह को अल्लाह कहीं हुजूर को भुला दे अल्लाह कहते मैं भूलता नहीं हूं अल्लाह किसी के तहत तो अपने महबूब को भुला दे तो वो भी शरीयत बन जाती भूल आएब है। आएब। लेकिन अल्लाह ने महबूब को हर ऐब से पाक रखा है सरकार फरमाते मैं भूलता नहीं हूँ भुलाया जाता हूँ और उसमें भी उम्मत को कानून मिल जाता है क्या है जरा तस्वर करें ये बात कहने वाले कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर किसी चीज को नहीं कर सकते ये तो कुरान की नस के खिलाफ है लेकिन मैं आपकी अक्ल के मुताबिक बात करूं आपने कभी सोचा कि ये जो सफर के अंदर हम चार रकत वाली नमाजें दो रकत अदा करते हैं ये कानून हमें कहा से मिला है ये कानून अल्लाह अकबर उम्मीन अम्मा जान हम सबकी अम्मा जान आय सिद्दीका सलाम्लाती हाँ है कि आकाए करीम हिजरत के अंदर जो है वो सफर हिजरत के अंदर है आकाए करीम मक्का शरीफ से मदीन मनवरा की तरफ जा रहे हैं अब हजूर आलाम के दिल का जो ख्याल है लोग उस पर मुकम, अपने अपने अंदाज से तबसरा करते हैं लेकिन मेरी ये करने की कतल इजाजत नहीं देती कि हजूर अलात व तस्लिम को दुश्मनों का खौफ था इसलिए हजूर सलाम से ऐसा हो गया इसलिए कि जो रसूल के घर के इर्द गिर्द दुश्मन खड़े हैं आकाए करीम सूर्य यासिन आयतें पढ़ते हुए उनके दरमियान से गुजर जाते हैं उनको नजर नहीं आते और नजर भी कैसे आ सकते हैं नजर कैसे आ सकते हैं इसलिए जान भी कभी नजर आती है कुरबान जाए उनके दरमियान से निकले लेकिन उनको नजर नहीं आए अल्लाह अकबर लोग कहते हैं दुश्मनों का गलबा था और दुश्मनों की फिक्र थी और दुश्मनों का ख्याल था हैरत की बात है मुझे कि जो लोग नबी का ख्याल नमाज में आने को जो है वो उस पर गन लगाने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं कि नबी दुश्मन के खौफ की वजह से चार रिकत वाली दो रिक पड़ गए अरे नादान जब नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो तू नमाज पर सवाल या निशान खड़ा करता है नबी की नमाज में दुश्मन का ख्याल आ जाए और तू उसके मुता कैसी बातें कर रहा है अल्लाह अकबर तो लोग अपने अपने अंदाज से करते हैं बहरहाल ने फरमाया दो दो और दोपहर से लेकर शाम तक के अपनी आँखों पर हाथ रख करके देखते हैं आमीना का लाल आया नहीं आया नहीं आए हजूर आ या नहीं आए हजूर आ या नहीं आए इसलिए शिकों की ईद हो जाती है आते हैं तो आशिकों की ईद हो जाती है इसलिए अल्लाह अकबर साद हजार जहलाल उनके नाखूनों की कतरन पे कुर्बान है दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुन पाका इतना भी मह ना ए चरखे कोहन फूल हजूर आल सलाम के नाखूनों की शान क्या है मेरे सलाम के दीवानों को ख्याल रहा होगा कि मेरे गुलाम बार बार निकल कर घरों से इंतजार करते हैं हजूर आ रहे हैं

कि खान का अपनी जगह आपकी गद्दी अपनी जगह आपने चार की नीयत की है आपने दो पे सलाम फेरा है उठिए दोबारा नमाज अदा कीजिए यही तो होगा लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी ने चार की नीयत करके उजलत में दो पर सलाम फेर दिया कुर्बान जाए कुदरत ने कानून बना दिया हबीब तू ने चार की नीयत करके दो पे सलाम फेरा अब ये नहीं कहा जाएगा कि चार पढ़िए बल्कि कुर्बान जाए हमें तो तेरी अदा प्यारी है वो बेनियाज को दो और चार क्या हमें तो तेरी अदा प्यारी है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है अल्लाह के हबीब ने उज्जलक में दो पे सलाम फेरा قیامت तक के मुसाफिरों के लिए कानून बन गया अब जो भी सफर करेगा चार वाली दो ही अदा करेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर जो भी, भी सफर करेगा चाहे उसको उजलत हो या ना हो चाहे उसको जलती हो या ना हो इसलिए कि महबूब ने सफर में दो पढ़ लिया है अब ने सब ने दो ही पढ़ना है कौन कहता है हुजूर को एक्तियार नहीं? अरे जिसको इख्तियार नहीं वो नबी ही नहीं हो सकता इसलिए कि नबी आता ही है मालिको मुख्तार बनकर अल्लाह के नाब आजम नाब पर दिगार अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मालिक हिल्लो हरम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारह भी है और शारे भी है अल्लाह ने हुजूर अलैहि सलाम को शरीयत बताने वाला भी बनाया है और शरीयत बनाने वाला भी बनाया हुजूर का कौल फेल शरीयत है अल्लामा इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह मिजान में लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को यह इख्तियार दिया कि जो चाहे हलाल कर दे जो चाहे हराम कर दे। को इख्तियार है उठाकर सियासा देखे लोग की ज्यादा बात करते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरम के कि हुदूद के अंदर जो जड़ी बूटियां घास और दरख्त है उसका काटना हराम है अल्लाह के हबीब ने फरमाया की हदूद के अंदर जो जड़ी बूटियां दरख्त हैं इसका काटना हराम है हुजूर के चचा हजरत अब्बास हाजिर हुए अर्ज की या रसूल इस खिर नामी जो घास है उसको हम घरों में और कब्रों में इस्तेमाल करते हैं आप उसको निकाल दीजिए हुरमत की फहरिस्त से आप उसको हरमत की फहरिस्त से खारिज कर दीजिए लोग कहते हैं हम सहाबा की अकीदे पर हैं। सहाबी का अकीदा ये है कि हुजूर चाहे तो इस खिर को हरमत में शामिल कर दे कि उसको काट नहीं सकते और अगर चाहे तो उसको हलाल कर दे के काट सकते हैं हजरती अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलिफ

हमें यह अता फरमाया उठा करके देखिए मुस्लिम शरीफ अल्लाह अकबर मुस्लिम शरीफ के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से बयात ले रहे हैं आकाए करीम औरतों से बयात ले रहे हैं और बयात के अंदर जो बातें हुजूर उनसे बयात ले रहे हैं जिन बातों पर उनमें एक चीज है एक चीज ये है कि तुम लोगों ने मैयत पर नौहा नहीं करना क्योंकि अल्लाह को कमों में सबसे ज्यादा जो आवाज बुरी है वो नौहे की आवाज है यानी मैजत पर लोग चीख चीख कर पुकार पुकार कर रोते हैं आवाज निकाल निकाल कर रोते हैं मजद की खूबियां उसकी जो है वो औसाब बयान कर कर के रोते हैं इसको नौहा कहते हैं एक हदीस से पाँच में आता है जब मजद पर कोई नौहा करता है तो अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर लानत करते हैं नौहा करना हराम है किसे नहीं पता कि नौहा करना हराम है मगर कुर्बान जाए जब मेरे सरकार औरतों से बयान ले रहे हैं कि मेरे आका ने फरमाया नौहा नहीं करें

हूं अल्लाह का कानून है मैं ये कैसे इजाजत दे सकता हूं कि नोहा कर नहीं कर, नोहा कर सकते हैं आकाए करीम ने फरमाया ठीक है जिस खानदान का तुम पर एहसान है मफूम हदीस है उस खानदान की मैयत में मैं तुम्हें नोहा करने की इजाजत देता हूँ तुम उस खानदान के अंदर जाकर के उनका एहसान चुका दो मगर तुम्हारे बाद ये चीज किसी और के लिए जायज़ नहीं होगी उसके बाद उठा करके देखें शरीय में बेशुमार मिसालें मौजूद है अल्लाह के हबीब के गुलामों किस मुसलमान को पता नहीं कि किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो शौहर की मौत पर औरत को इद्दत गुजारना चार महीने दस दिन ये वाजिब है उसको चार महीने दस दिन कोई सिंगार नहीं करना कोई जीनत नहीं करना मगर सियासिका उठा करके देखे जब हजरत सैयदना जाफर तैयारक शहीद हो गए तो उनकी बीवी हजरत असमा बिनतेमेस आका करीम सल्म स्युन्ला उनके पास तशरीफ लाए और इर्शाद फरमाया तू ने सिर्फ तीन दिन शोक करना है बस और तीन दिन के बाद तू जो चाहे करे यानी चार महीने दस दिन की वो इद्दत की मुद्दत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिन के अंदर समेट दी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तीन दिन कर दिया कहां है वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के हबीब को भी अख्तियार नहीं हुजूर कानून बनाने वाले हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है दरअसल ये दिल का रोग है ये दिल की बीमारी है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर ये हमला है हम कहते हैं शरीयत को तहफ़ बिल्कुल मिलना चाहिए लेकिन शरीयत से ज्यादा तहफ़ नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए क्योंकि शरीयत लाने वाले शरीयत बताने वाले खुदा का पता बता

यानी रमजान शरीफ के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ वजीफ़े ज़ोज़ियत अदा कर लिया बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बच्चों की मौजूदगी में इससे ज्यादा मोहतात और बाया अल्फाज इस मामले को पेश करने के लिए मेरे पास नहीं है अगर इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज हो तो मेरे बड़े मेरी रहनुमाई कर दें उन्होंने कहा मैंने वजीफियत अदा किया कैसे रोजे की हालत में जबकि हराम है और अल्लाह का कानून ये है कि अगर ऐसा किया तो साठ रोजे रखे या साठ मिस्किन को खाना खिलाए यही तो है गुलाम आजाद करे शरीयत ने मुख्तलिफ अंदाज में उसका कफारा बताया उसको कफारा कहते हैं आने वाला आया देखिए बड़े से बड़े मुफ्ती साहब के पास कोई भी मसाला लेकर के आएगा मुफ्ती साहब कहेंगे ये है और यही है अगर वो वाकई मुफ्ती है तो ये है और यही है इसके सिवा कुछ नहीं अलहमद होते यहाँ तो फतवे बिकते नहीं है हम लोग फतवे बेचने वाले फतवा फरोख तो लोग हम नहीं है इसलिए हमारे यहाँ जो बात बरसों से कही जा रही है वो बात आज भी कही जा रही है और इनशा कयामत तक यही बात कही जाएगी इसलिए हमारी शरीयत जो है वो पार्लियामेंट की मेज पर बैठकर तैयार नहीं हुई है शरीयत मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमाई है। तो हमारे यहाँ कानून नहीं बदलते कानून हमारे यहाँ तब्दील नहीं होते अल्लाह हो अकबर लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की बात गाह अरश मकाम है आने वाला आकर कहता है हजूर ऐसा ऐसा हो गया अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लाम ने उनको कफारा बताया कि साठ रोजे रख लो कफारे में जाहिर सी बात है कि एक रोजे में हुआ तो साठ में फिर सब्र कैसे हो सकता था उन्होंने कहा तो भी नहीं कर सकता गुलाम आजाद कर दो, ये भी नहीं कर सकता, अल्लाह के हबीब को वो कहते जाते थे नहीं कर सकता नहीं कर सकता देखिए कोई दूसरा मुफ्ती होता मुजीब होता तो वो क्या कहता नहीं कर सकते तुम जानो हमने तो कानून बता दिया ये जो बात कही जा रही है सिर्फ कानून बताने वाले हैं यानी दूसरे अल्फाज में किताब में नबी को डाकिया की हैसियत दी गई है वो तो सिर्फ डाकिया की तरह है वो लाते हैं अल्लाह से और हमें पहुंचा देते हैं आप बताए जिससे लाते हैं और जिस तक पहुंचाते हैं डाकिया की हैसियत क्या होती है लोग नबी को डाकिया कहते हैं हस्तखिरल्ला अल्लाह तबारक व लोगों को हिदायत तफम है फिर लोग हमसे कहते हैं इख्तलाफ की बात ना किया करो लोग तो खुद इख्तलाफ के कांटे बोते हैं अगर उन कांटों को हम उठाएं तो हम मुजरिम क्यों हैं? हम क्यों मुजरिम हैं? और खुदा की इज्जत की कसम हमारे बाप की आबरू पर होने वाले हमले को हम बर्दाश्त कर सकते हैं नबी की अजमत पर होने वाले हमले को मुसलमान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता अगर उसके दिल में ईमान की कसम की की अल्लाह ने हमें जान तो बिस्तरों पर भी जा सकती है लेकिन जो जान मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क में जाए वो जान पर हजारों जिंदगी कुर्बान है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया नारे तकबीर ना नारे, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह शरीयत को तहफूज नामों से मुस्तफा को तहफूज दिए बगैर हो नहीं सकता और याद रखें शरीयत सियासी लीडरों से कभी महफूज नहीं हुई है शरीयत को तहफूज मिला है तो खान कहा से मिला है। अड्डे हमेशा सियासत के मुखालिफ रहे हैं अकबर का दरबार देख लो मामून का दरबार देख लो ये सारे जो दरबार थे जिसे दुनिया जलालुद्दीन अकबर कहते लोग उसको अकबर दिगरे कहते हैं वो अपने वक्त का बदतरीन मुलहिद जिसने दीन इलाही कायम करके शरीयत का मजाक उड़ाया लेकिन जब सियासी दरबार से शरीयत का मजाक उड़ा

उनका साहिब शरीय से कल भी दिल का ताल्लुक था तभी को तहफुज नहीं होगा वो शरीयत को कभी तहफुज नहीं दे सकते जानते हैं लोग नक्शबंदी होने का दावा करते हैं लोग, लोग चिश्ती होने का दावा करते हैं लेकिन इन खानक लोगों का मिजाज क्या था जानते हैं शेख अब्दुल शेख मुजदानी अहमद फारूक क्या कहते हैं अपने मकतबात में फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है ये की दा खिदमत दा दा। करने वाला हिंदुस्तान में तौहीद पर सबसे ज्यादा मवाद फराहम करने वाला अपने दौर का सैजदल मदीन कह रहा है कि मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूँ किब मोहम्मद मेरे मोहम्मद का रब है आप तो फरमाए लेकिन लोग कैसी बातें करते हैं। दिल से ताल्लुक मुस्तफ़ा तोड़कर शरीयत के तहफ के लिए निकले आप यह नहीं हो सकता इसलिए कि शरीयत तो उनकी अदाओं का नाम है वरना चार मसालिक दुनिया में वजूद आने की वजूद में आने की क्या वजह थी हुजूर ने किसी दौर में नाफ के नीचे हाथ बांधा कभी ऊपर बांधा कभी जोर से आमीन कहा कभी धीरे कहा है ना आकाय करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या हुआ हुजूर ने जिसको तर्क कर दिया फिर वो जिंदा क्यों रही इसलिए कि सूफिया फरमाते अल्लाह की मर्जी थी महबूब ने जिस अदा को बाकी रखा वो भी बाकी रहे जिसको तर्क कर दिया वो भी बाकी है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है तेरी हर हर अदा प्यारे दलीलें बेमिसाली है हम अल्लाह के कानून के मोहताज हैं कानून के मुताबिक हमने करना है हुजूर जो करे वही कानून बन जाता है अरे हुजूर छोड़ दे तो कानून बनता है सूरज गुरूब होने के बाद नमाजें पड़ी उसको मगरिब कहते हैं लेकिन में होने के बाद नमाज नहीं पढ़ीब होने के बाद नमाज नहीं पड़ी छोड़ दिया मगरिब को ईशा तक मर कर दिया देर तक मखर कर दिया उस दिन मगरिब को छोड़ना इबादत हो गया अब कौन मगरिब पढ़े अरफात में मसला बताया जाता है नहीं पढ़ना अरफात में मगरी उठते चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजों के अंदर अपने दौरे अक्दस के अंदर जो चीजें अल्लाह हु अकबर हराम हैं हुजूर ने अपने इख्तियारात से किसी किसी पर उस हवाले से फरमाई है, जैसे खुद देखें हज़रत और जब सबको तकसीम हो गया सबका हिस्सा तो एक सोने की अंगूठी रह गई सोने की अंगूठी सोना मर्दों पर हराम है किसे नहीं पता सबको पता है सोना मर्दों के लिए हराम है यह और बात है कि मालदार हो जाते हैं तो गले में चैन लटका करके फिरते हैं ये बताने के लिए कि हम भी मालदार हैं लेकिन गले में चैन पहनने वाले कभी चैन से नहीं रहते हमेशा बेचैनी का शिकार रहते हैं इसलिए अगर चैन से रहना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी की चैन अपनी गर्दन में डाल लो सोने की चैन से कभी चैन नहीं आ सकता वो दिल को हमेशा बेकरार करती है मेरे वसल्लम के दीवानों मेरे नबी के सहाबी हजरत बरा इबन आजिब कहते हैं हुजूर ने सबको तकसीम किया सोने की अंगूठी रह गई सरकार ने सोने की अंगूठी हाथ में ली और हाथ में लेकर के हुजूर ने महफिल पे नज़र डाली फिर नज़रें नीची कर ली फिर हुजूर की नज़रें उठी वो हया वाली नज़रें अल्लाह अकबर वो हया वाली नज़रें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम झुकी है और फिर उठी है उन नजरों के झुकने और उठने का भी बड़ा कमाल है उन नजरों के झुकने और उठने का भी बड़ा कमाल है वो हया वाली नजरें अगर उठ जाती है तो किबला बदलता है वो नजरें अगर उठ जाती है तो किबला बदलता है कद नरा आती है और अगर वो फिक्र से झुक जाती है तो इन्ना अंजलना आती है वो झुक जाए फिक्र से तो इन्ना अंजल आ जाए झुकी थी ना एक बार मेरी उम्मत की उम्र कम क्यों है इस फिक्र से झुकी थी तो कुदरत ने कहा जिब्रील जा, हबीब बेचैन है सूरे कदर लेकर के जा और बता दे कि एक रात ऐसी भी होगी जो हजार महीनों से अफजल होगी फिक्र से झुके तो सूरे कदर आती है और शौक से उठ जाए तो कद नरा आती है और किबला बदल जाता है जिसकी नजरें झुकने से ये काम होती हो, जिसकी नजरें उठने से ये काम होते हूँ सोचो उस नबी की शान क्या होगी बात इतनी है हमने नबी को ऐसा नहीं मानने की कोशिश की लोगों ने नबी को ऐसा नहीं मानने की कोशिश की वक्त है यहां होगी बस दो बातें अपनी बात मुकम्मल कर लूँ

सोने की अंगूठी पहना दी जिन लोगों ने यह मंजर देखा जिसको बात पता चली उन्होंने कभी एतराज नहीं किया लेकिन बाद में लोगों ने मुझसे कहा कि ए बरा सोना तो मर्दों पे हराम है आप पहनते क्यों है, है इब्ने आसिब कहते थे जिसको मेरे नबी ने पहनाया मैं उसको उतार नहीं सकता और आखिरी बात इख्तिताम करते हुए लोग कहते हैं कि नबी हलाल हराम का इख्तियार नहीं रखते देखिए हुजूर को और हराम का इख्तियार भी है और हज़ूराम को कायनत के अंदर भी अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है तकवीनी इख्तियारात भी अल्लाह के हबीब सज़ूर को, को क्या बल्कि कुरान तो कहता है वलमदबरात अमराह इसकी तफसीर में शाह अब्दुल अजीज मुहदस देलवी कहते हैं कि ये अल्लाह फरमाता है कि उन बंदों की मकबूल बंदों की कसम जो दुनिया के अंदर तदबीर करते हैं दुनिया के कामों में तदबीर करते हैं शाह साहब लिखते हैं कि इससे मुराद मौलाए कायनात और उनकी औलाद है जो कायनात के अंदर तदबीर फरमाते हैं और उस, उसकी फिर मजीद तश्रियात भी मौजूद है कि जो लोग कायनात के अंदर तदबीर करते हैं उनमें से शौद बद्र की रूहें भी हैं मुख्तलिफ अकवाल करते हुए शाह फिर बातें करते हैं मेरे प्यारे आका सला व् के प्यारे दीवानों बस बात अख्ताम पर पहुँचा दूँ मेरे आका सलाम के दीवानों देखिए कुरान कहता है फ़न के माँ बाबल मिनसा मसना वरुबाप कुरान कहता है ना कि निकाह करो उनसे जो औरतें तुम्हें पसंद आए दो दो तीन तीन चार चार इस तरीके से कुरान ने इजाजत दी है दो तीन चार की इजाजत दी है मगर कुर्बान जाए कुरान की नस मौजूद है कुरान की आयत मौजूद है हुजूर ने मौला अली से कहा अली जब तक फातिमा हयात है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते बोलिए हजरत मौलाए कायन के लिए उस वक्त दूसरा निका करना जायज नहीं था जब सैदा फातिमा मौजूद थी किसी ने यह नहीं कहा अल्लाह तो कहता है मसना कि दो-दो तीन तीन सकते हो अल्लाह के रसूल जिसको चाहे अल्लाह पर जो बात उसके लिए हल कर दे और जो चाहे उसके लिए हराम कर दे मुमकिन है कोई कज फैम अब यहाँ ये बात कर सकता है कि देखा दूसरों की बेटियों के लिए तो अल्लाह के रसूल ने शौकनों की इजाजत दे दी कि दो भी कर सकते, तीन भी, भी मौजूदगी में, में तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते तो हुजूर अपनी बेटी की मौजूदगी में दूसरे निकाह की इजाजत नहीं देते तो कोई माज अल्लाह बदबक इस पर बातें कर सकता है लेकिन याद रखें इसमें

क्योंकि सौकन बनके कोई आएगी वो फातिमा का दिल दुखाएगी तो फातिमा का दिल दुखाकर वो जहन्नम में ना चली जाए हुजूर उसको जहन्नम से बचाने के लिए अली को कहते हैं फातिमा की मौजूदगी में दूसरी दुल्हन ना लाना ये हुजूर का भार करम भार था उस भार पर हुजूर का करम था उस पर जो आने वाली थी कुर्बान जाए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल नहीं किया उसकी आखिरत का ख्याल किया मेरे आकाली सलाम के दीवानों मौलाए कायनात की दूसरी बीबियां तो आने वाली थी की निगाहें नबूवत देख रही थी और फिर जहरा को हुजूर ने जो कहा ना कि मेरे बाद सबसे पहले मेरी अहले बैत में तुम आकर मिलोगी आरिफीन कहते हैं उसमें हिकमत यह भी तो थी ना कि अली पर ज्यादा दिन तक अली पर ज्यादा दिन तक यह पाबंदियां आय ना रहे मुख्तार कायनात ने अपनी बेटी को जल्दी अपने पास बुला लिया आकाय करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जल्दी अपने पास बुला लिया फिर मौलाए कायनात ने उसके बाद कितनी शादियां की बल्कि सैदा फातिमा ने खुद वसीयत फरमाई दुनिया से जाते जाते अली मेरे विसाल के बाद दूसरा निकाह तो करोगे ना मौलाए कायनात चुप थे काली करोगे ना आपने फरमाया हाँ करूँगा तो अर्ज़ करने लगी ऐसी बहादुर घराने की औरत से निकाह करना जिसका खानदान बहुत बहादुर हो तो मौलाए कहनात ने कहा अभी तक तो इस सिलसिले में नहीं सुना था कि बहादुर की औरत से भी निकाह किया जाता है आप बहादुर खानदान की औरत से निकाह करने की बात क्यों करती हैं? तो सैदा ने कहा था मुझे करबला याद आता है मुझे करबला याद आता है जब माँ बहादुर होगी तो उसके बेटे भी बहादुर होंगे जब माँ बहादुर होगी तो उसके बेटे भी बहादुर होंगे और जब बेटे बहादुर होंगे तो वो करबला में मेरे हुसैन को काम आएंगे। उन्हीं बहादुर बेटों में मौला अब्बास की ज़ात है जो हजरत उम बनीम से पैदा हुए थे मौलाए कायनात ने जो है उस ख़ानदान से निकाह किया जो बहादुर था और बात इख्तिताम पे बात आई है मौला अब्बास की तो एक बात अस करते चलूँ करबला वो ज़मीन है जिसने जो रिश्ते फरसूदा हो गए थे करबला ने उन रिश्तों की दोबारा तजदीद कर दी उन रिश्तों को करबला ने दोबारा जिंदा कर दिया बात अगर आई है तो उतने उतने में बात ख़त्म करता हूँ ताकि मेरे और आपके दिल को तस्कीन हो जाए और बात खत्म हो जाए मेरे आका सलाम के दीवानों और करबला की लड़ाई भी तहफ़ शरीयत की लड़ाई थी अवली लड़ाई करबला में शरीयत के तहफ के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई है करबला में करबला को छोड़े बगैर शरीयत का तहफुज हो भी नहीं सकता अल्लाह अकबर तो अर्ज कराता वो मौला अभुल हैं अल्लाह अल्लाह वो वो जात जिसको असदे बनु हाशिम कहते हैं बनु हाशिम का शेर जिसको कहते हैं मौला अब्बास को यह सौतेले भाई इमाम हुसैन और सौतेला भाई का रिश्ता इस कदर मशकूक हो गया था बिरादरा ने यूसुफ के बाद सौतेले भाई का मतलब कंधे पे बिठा के बाप के सामने ले जाना फिर उसके हाथ का खाना छीन के कुत्तों के सामने डाल देना पानी छीन के जमीन पे फेंकना मारना कुएं में डालना कोई दूसरा कुएं से निकाल दे तो भागा हुआ गुलाम कहकर बेच देना उसके बाद से कोई एतमाद नहीं करता था सौतेला भाई कैसा होगा क्योंकि सौतेले भाई का मतलब कुएं में डालने वाला मारने वाला पीटने वाला कुत्ते के आगे खाना छीन के डालने वाला लेकिन जब करबला हुआ तो करबला में सौतेले भाई अब्बास ने मेरे हुसैन के लिए वो कुर्बानी दी कि बरसों का मशकूक रिश्ता करबला के अंदर फिर से एक वफा के हवाले से लोगों ने उसको पहचाना बल्कि लोग कहने लगे लोग कहने लगे अल्लाह अल्ला, कि अब्बास ने कभी इमाम को भाई भी नहीं कहा एक बार जब शहादत के वक्त इमाम अली मकाम ने कहा था कि अब्बास एक बार तो भाई कह दो ये तमन्ना मेरी दिल में रह जाएगी तो मौला अब्बास ने कहा था आकाओं को भाई नहीं कहा जाता है हुसैन तेरा मेरा बाप तो एक है लेकिन तेरी मां खातून जन्नत है जन्नती औरतों की सरदार है बिनते पेम्बर है नबी की बेटी है तो मैं उसको कैसे उसको कैसे भाई कहूं जिसकी माँ फातिमा हो अल्लाह अकबर यह वफा का रिश्ता उस सौतेले भाई ने निभा करके वो रिश्ता सदियों का उसको फिर से वफा के हवाले से दुनिया के सामने पेश किया इसीलिए कहने वाले ने कहा है मुझसे पूछा था किसी ने लिख वफा की दास्तां मुझसे पूछा था किसी ने लिख वफा की दास्तां मैंने कलम उठा खाके अब्बास लिख दिया अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ फरमाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बी वतौब अलैहि सलाम अलैकुम मैंपना चाहता हूँ शैतान مردود से। आई सी रिफ्यूज ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द रिजेक्टेड वन बिस्मिल्लाहिर अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला अल्लाह

और अगर चाहता तो उसे ठहराया हुआ कर देता फिर हमने सूरज को उस पर दलील किया ओ डियर प्रॉफिट डिड यू नॉट सी योर लॉर्ड हाउ ही स्प्रेड द शेड एंड इफ़ ही विल्ड ही कुड हैव मेड इट स्टिल देन वी मेड द सन अ प्रूफ अपॉन इट इटना फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ समेटा वही देन ग्रेजुअली विद्रॉ अस। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा किया और नींद को आराम और दिन बनाया उठने के लिए एंड इट इज ही हु मेड द नाइट अवील फॉर यू एंड द स्लीप स्लीप अरेस्ट एंड मेड द डे फॉर गेटिंग अप। बैन यदै र और वही है जिसने हवाएं भेजी अपनी रहमत के आगे मुझद सुनाती हुई और हमने आसमान से पानी उतारा पाक करने वाला एंड इट इज हीज मर्सी एंड वी सेंट डाउन प्योरीफाइंग वॉटर फ्रॉम द स्काई لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. تاكي هم اس زندا زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں اپنے بنائے سى بہت سے چوپائے In order that we may revive a dead city with it and give it to the many beasts and the men we have created to drink. <laughs>

मैं मैं गुजारिश करता हूं निगरान सुन्नी दावत इस्लामी आंध्रा व तेलंगाना से हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसान फ़ारूकी साहब से कि हज़रत क़लिमाते तशकुर अदा करें السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد حضراتي الكرامي قدر معزز ومكرم مشايخ وسادات الكرام علماء عظام بزرگان ملت नौजवान साथियों आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का दो रोज़ा रियासती सुन्नी अजतम अपने अख्तामी और आखिरी सेशन में दाखिल हो चुका है आखिरी और अख्तामी मराहल में दाखिल हो चुका है जैसा कि आप ऐलान समात फरमाते आ रहे हैं अलहदुल्ल इस अज़ीम शान रियासत तेलंगाना व आंध्रा के नुमाइंदा दो रोज़ा सुन्नी इजतम के इंतज़ाम और इंसराम के लिए जो अंतक मेहनतें और कोशिशें हम नतवा मुबलग़ी की जानब से की गई हैं आप भी दुआ फ़रमाएँ हम भी रब की बारगाह में दुआ गोह हैं कि मौला तबार को ताला अपने हबीब पा के नाल न के तसद में अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाएँ हम अहलियाने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अकीदे के इसहकाम का ज़रिया और सबब बनाएँ आमाल के असलाह का सबब बनाए हज़रात गिरामी इस अज़ीमशान के इक़ाद के लिए और इसके इंतज़ाम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए सिर्फ़ हमारी मेहनतें हों तो ये बिल्कुल तौर पर नाकाफ़ी हैं अल्लाह तबार को तला का करम यकीनी तौर पर शामिल हाल हो जाए तो बंदे की छोटी सी सही भी छोटी सी मेहनत और कोशिश भी रंग लाती है और कामयाब होती है हमारी ये हकीर कोशिशें अल्लाह तबार व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाई और अवामन्नास में इसे कबूलीत आम्मा से नवाजा और कल का पहला दिन भी हैदराबाद की तारीख़ का एक अजीमुशान ख़वा के अज्तम का तारीख़ी दिन रहा कि खावा इस्लाम ने इतनी क़ीर तदाद में इज्तमा में शर्क होकर अपनी दीनी बेदारी और अपने मजहब इस्लाम से और शरीय मतहारा से और शार आलाम से अपनी अक़ीदत और मोहब्बत और वाबस्तगी का उन्होंने सबूत दिया है यूँ तो अलहदुल्ल हमारी अपनी रियासत में क्योंकि ये शहर और ये रियासत अलिया इक्राम की सरज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर शेख इस्लाम, इमाम फारूक़ी आलर रहमा की सरजमीन है जिन्होंने इस सरज़मीन पर अजीम अपनी तजदीदी कारनामे अंजाम देकर उम्मत के अंदर दीन का अहिया फरमाया और उसको इस्तेहकाम बख्शा उसी का नतीजा है कि इस्लाम मुखालफ ताकतें और साजिशें मुस्लिम उम्मत की खवीन को मुस्लिम ख़वान को वर्गलाने के लिए दिलकश ऐलानात और नारे लगाकर उनको इस्लामी तालीमात से बरगश्तः करने की कोशिशों में लगी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उन नारों की तरफ़ उनकी उन उनकी उन सदाओं की तरफ, तरफ उम्मत मुस्लिमा की खातन जहाँ पर दीनी बेदारी है कान नहीं धरती और सरतापा उन सदाओं के खिलाफ उन कोशिशों के खिलाफ सरतापा एहत बन जाती हैं चाहे उन नारों में उनकी अपनी मनफियत की बात कही जाए और उनके अपने इख्तियार किया जाए लेकिन जब दुश्मन की जानिब से जब मुखालफ इस्लाम ताकतों की जानिब से जब ऐसे ऐलानात होते हैं तो यकीनी तौर पर पसे पर्दा कुछ और होता है इस हकीकत को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के बेशतर तबका मुसलमानों का इस हकीकत को समझता है कुछ होते हैं जो मुखालफी इस्लाम और दुश्मनान इस्लाम के आला कार बनकर उनकी हाम हाँ मिला डालते हैं आपके सामने मौजूद हैं कि किन इदारों से वाबस्ता लोग बाबरी मस्जिद की मनतकी की बात कर रहे हैं और इसी तरह दीगर शरीय मतहरा की तब्दीली के हवाले से दुश्मन की हामे हाम हाँ मिलाकर हामी भर रहे हैं हज़रात ग्रामी ये बातें आम मतलमसलिम के आँखें खोलने के लिए काफ़ी हैज़रात ग्रामी अलहमदल्ला बग़ैर महरम के खवीन के हज की अदायगी के हवाले से जब ये बातें की गई सामने आई हुकूमत बड़े दिलफरेब पेशकशें की कि मुस्लिम खवीन को हम ऐसी सहूलत देंगे ऐसा करेंगे कि महरम के बगैर भी हज को हम देने की जाने की इजाज़त देते हैं फलाँ फलाँ दरख्वातें दाखिल करने का ऐलान हुआ और फिर ऐसे कि हज कमेटी से जाने का जब मरहला आता है तो ड्रा के ज़रिए से क़ुरा के ज़रिए से क़ुरानंदाज़ी के ज़रिए से नाम निकलते हैं पाँच हज़ार नाम दाखिल हुए मिसाल के तौर पर तो उसमें से अढ़ाई तीन हज़ार का इंतखब होता है दो अढ़ाई हज़ार तो मुस्तरद हो जाते हैं लेकिन उनके लिए ये भी पुरफरेब नारा कि उनका नाम ड्रा में और क़ुर में नहीं डाला जाएगा बग़ैर में डाले के उन्हें हज में भेज देंगे उसके बावजूद भी हमारी अपने रियासत को यह फ़ख्र हासिल है कि हमारी रियासत की एक खातून ने भी दरख्वास्त नहीं दी। ये दरअसल उम्म मुसलिम यहाँ के मुसलमानों की बुज़ुर्गों से वाबस्ती इक्राम से वबस्तगी अहले इल्म से वी दीनी तंज़ीमों की जो कुछ सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं यहाँ पर वो उनसे से हैं इसकी बिना पर उन्होंने उनमें से एक खातू ने भी इस रियासत से दरखास्त तक दाखिल नहीं की उस हुकूमत के मुंह पर तमाचा है मरकजी हुकूमत हुए दरअसल दीनी शरूर बेदारी के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था जरूरत इस बात की है कि हम जितनी तदाद में कल की खातन के अज्तम का दिन जो था अलहदुल्ला का अख्तितमी वक्त भी आ चुका था लेकिन उसके बावजूद भी खवतान की आमद का सिलसिला जारी था साथ ही हमारे वॉन्टियर्स मुबलि जो उस जानब थे बाहर की जानब बात तौर पर वो बता रहे थे कि अभी भी खातन मतलब जाने वाली नहीं बल्कि ऐसे के इजतम का भी आगाज़ हो रहा है कि औरतें बस बड़ी तदाद में ग्रुप काफ़ी औरतों के भी इजतम गाह में ईदगाह मेरालम वादी अनुार में दाखिल होती ही जा रही हैं अलहदुल्ल आप हजरात भी तशरीफ़ लाए और खसूसियत से अजला से जो इकराम जो मेहनतें वहाँ पर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुनी दावा इस्लामी के मुबलगिन के साथ खुद ज़िम्मेदारान यहाँ के अजला के दौरे पर जाने का शरफ़ हासिल हुआ एक अरसे के बाद दावती काम के सिलसिले में तहरीक के काम के सिलसिले में वहाँ पर उनसे मुलाकातें मुशावरतें हुई माशाल्लाह उनकी मेहनतें भी काबिल तहसन है इदारों को कायम कर कर और दीनी इजमात मजहबी इजमात मुकर कर कर लोगों के अंदर दीनी बेदार करने के जो काम में लगे हैं अल्लाह ताल उन्हें जजाय खैर अता फ़रमाए और अजला से भी अलहमदल्ला काफ़ी अजला से माशाल्लामा इक्राम अपनी सरकर्दगी और सरपरस्ती में बड़े बड़े काफिलों को लेकर आज के इस इज्तम में शर्क हुए हैं अलहदुल्ल ज़रूरत इस बात की है जिस तरह से हम ेदारान सन्नी दावत इस्लामी के इस अजतमा को जो रियासती इज्तम है अहल सुन्नत का एक नुमाइंदा इजतम तमाम सलासिल तरीक़त का एक नुमाइंदा इज्तम सिलसिले कादरिया हो चश्तिया हो नक्शबंदिया हो या शहरवरदिया हो तमाम सलासिल हक्का के व बरकात यहाँ से बढ़ते हैं और हम उन तमाम अहल सलासिल उन बुजुर्ग दीन दीन की बुज़ुर्गान दीन की तरफ हम रुजू भी करते हैं उनसे सेमदादा भी करते हैं और उन्हीं की उनसे बरकतें हासिल करते हैं और उनकी बारगाह में इज्त की कामयाबी के हवाले से मारूजात भी अर्ज़ करते हैं यहतम इसी तरह तमामी अह सुन्नत व जमत के तमामी मदारस का और तमामी क्राम इन तमाम का गए एक नुमाइंदा इज्ति है इस मारूज़े कोलमा क्राम ने मशाइ क्राम और सदत क्राम ने कबूल किया और अलहमदुल्ल आज के इस इस्तमा में ये बड़ी तदाद में और कल के गुजरे हुए कल के इजमा में भी खातिन की बड़ी तैदा की शिरकत गोया उन्होंने जो हमारा मारूदा कबूल किया उस पर यह दलील है मैं तमामीमा क्राम मशाखिनद सदात क्राम का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ सुन्नी दावत इस्लामी के तमामी ज़िम्मेदारों की जानब से और अम मसाजिद दोनों जिन्होंने अपने जुमे के खिताबात में लोगों को इस जानब मायल फरमाया मुतव किया इज्तम शिरकत की अहमियत को और उसकी इफादियत को उजागर किया उसके फ़ायदे को बयान किया और उन्हें मुतव किया अलहमदिल्ला लोग यकीन तौर पर अपने अइम और अपने खुतबा और अपने मा का कदर, कर, की कदर करते हैं उनकी बात मानते हैं उन्होंने लबई कहा और दावत कबूल की और इज्तम शर्क हुए हम शक्र हैं उन तमाम अम मसाजिद और खुतब मसाजिद के भी इंतजाम के सिलसिले में नकीब मिलत सदर मजलिस इतिहादमसलमी अली जनाब अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इब्तदा से ही इज्तम की इब्तदाई उन्नीस सौ छियनवे और सतियनवे के अजतमा में सालार महतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब तशीफ रखते थे वो खुद भी इज्तम में शर्क हुए और उन्होंने इंतज़ाम के सिलसिले में बड़ी सहूलतें पहुँचाई और फराहम की हैं अमीर मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज उकारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी मद्दुल्नूरानी वो रौनक बजम हो चुके हैं कुछ ही लम्हा में हज़रत के खिताब जलील से आप इस्तेफादा करेंगे आप हजरत अपने नशस्तों पर तशरीफ़ रखें आलम इस्लाम आलमी सतह पर आलमी और मुल्की सतह पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से हज़रत अपने इरशादा से नवाजेंगे इंतहाई अहम तरीन और आलमी औरवान हैं और आलमी तहरीक के अमीर ख़ीब आजम हज़रत मौलाना शाकिर नूरी इस पर ख़िताब फ़रमाएंगे आप हजरत इतमिन से तशरीफ़ रखें हज़रत ग्रामी तो मैं अर्ज़ कर रहा था शुक्र गुज़ारी के हवाले से नकीब मिलत बार्दी अवैसी साहब उन्होंने वो अपनी ख़ास दिलचस्पी से तमामी महकमा जात को अपने खसूसी लेटर्स न सिर्फ लेटर्स रवाना किए डिप्टी सी एम साहब से लेकर तमामी महकमों को बल्कि अपने नुमाइंदे इस हलक़े के एम एल एनाब मज़म खान साहब और कॉरपोरेटर अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब इनको खसूसी तौर पर हिदायत जारी कि जो मुसलसल हम वक्त इंतजामिया के साथ रबे में रहे और जब भी जहाँ भी जो भी ज़रूरतें आन पड़ी महकमे के लोगों को मुतवज्जे करवाया और इज्तम के इंतज़ाम के सिलसिले में उन्होंने अपना हसन तान पेश किया खूसियत के साथ डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर अली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब खसूसी दिलचस्पी लेकर बैरिस्टर बैरिस्टरद्दीन अवैसी साहब ने उनकी जानब भी लेटर रवाना किया था कि इस सिलसिले में तोजो दें वो खुद बनफ़ नफीस इजतमागा आए दौरा किए और तमाम महकमा जात जिम्मेदारों को उन्होंने तलब किया यहाँ पर और सारे डिप, डिपार्टमेंट्स के लोग जिम्मेदारान यहाँ पर आए उन्होंने भी उन तमाम को हिदायत जारी कि और उन्होंने हसन तावन उन अपना पेश किया पुलिस डिपार्टमेंट जी एच एम सी वाटर वर्कसनीटरी सेनिटर, वर्कस और जी एच एम सी का खसूसियत के साथ सफाई वाला जो अमला है उनका भी भरपूर ताउन हमारे साथ रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी पावर कट का मसला भी शहर में चल रहा है उसके बावजूद भी अन गैर मुतकल उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया हम इन तमाम के शुक्रगुजार हैं नवाज़ सप्लाईिंग कंपनी, नवाज कंपनी के भी हम शुक्रगुज़ार हैं जनाबल मजीद साहब जिनका हमेशा से बरसों से ताउन रहा है अलहद लासन इतज़ाम इज्तम के जो कुछ हैं आप मुलाहजा फरमा रहे हैं इसमें उनका भी खसूसी ताउन रहा और दिलचस्पी रही है प्रिंट मीडिया खसूसियत के साथ अखबार रोज़नामा, एतम रोज़नामा मुनसिफ़ और सियासत रहनमाय दकन सहाफ़ी दकन और दीर्घ दीगर इंग्लिश और तेलगू और हिंदी प्रिंट मीडिया का भी हमारे साथ तान रहा इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके भी हम खूसियत के साथ शुक्रगुज़ार हैं खूसियत के साथ सी सी एन चैनल वाले निशा और निशा इस्लामिक इनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं इन्होंने प्रोग्राम को लाइव किया खावन के अंदर बहुत बेचैनी थी कि वो इज्तम में आज का दिन खुवान के लिए इंतज़ाम न था लेकिन अपने घरों पर बैठ कर खातिन इस्लाम इज्तम से इस्ता कर रही हैं अल्लाह अलहदुल्ला तौर इन तमाम को जजाय खैरता फ़रमाएँ इंडर में अभी से तारीखें नोट कर लें और आप इन तारीख़ों की दावत को भी जहन में महफूज रखें और जब तारीख़ करीब आए तो उससे पहले इसे भी आम खूब करें नौ दस फरवरी दो हज़ार उन्नीस इन الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين

नज बिसहर हम मिन निन दिन कजालिक मन शकर सद्लाजीम काबिल कदर सादात के उलमाए जवील एहतराम व वा वाजरीनो नाजरीन सुन्नी इज्तमा वरि वर्का मेरे प्यारे अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जिस आजय करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया उससे मतलब कुछ मारूजा पेश करने से पेशतर आकाई करीम रऊफ रहीम अलैहि तहीत व तस्लीम की बारगा बेकसपना में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से सलाम का नजराना पेश करें, अस्वलातु वस्सलामु या काया अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله.

आपने सहात फरमाए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें भी आपने समात फरमाई और मसाइल की मालूम भी आपने हासिल फरमाई मैं भी कुछ देर के लिए हाजिर आया हूँ कि कुछ मारूज़ात आपके घोष गुजार करूँ अल्लाह इज़्ज़त जल्ला जलालहु मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए मेरे प्यारे अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों इस वक्त अगर आलमी सतह पर हम मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा की जिंदगी का जायजा लें तो ममालिक भी सिसकते नजर आते हैं और उम्मत भी सिसकती नजर आती है कल तक जो लोगों को खैरत तकसीम करते थे आज वो ममालिक वर्ल्ड बैंक से लोन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं आज हमें यह समझने की जरूरत है कि अल्लाह रबुल्जत जल जलालू जला जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई आखिर हमसे वो कौन सी लफ्ज़िश हो गई कि आज हम जमाने की ठोकरों में आ रहे हैं वो कौन सी ख़ता हो गई जिसकी वजह से आज ज़माने में इज़्ज़त का ताज हमारे सरों से उतार दिया गया आज दुनिया अच्छी नज़र से नहीं देखती और दुनिया में एक बावकार कौम की हैसियत से हमें अपनी पहचान कराना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि रुए ज़मीन पर इस वक्त सबसे कमज़ोर नातवा अगर कोई कौम तस्लीम की जा रही है तो वो मुसलमान है कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी आंखें दिखाता नजर आता है और पैरों से कुचलता दिखाई देता है यकीनन इसमें बहुत सारे लोग गैरों पर इल्ज़ाम रखते होंगे कि ये उनकी शरारत है किसी हद तक हम उससे इत्तफाक भी रखेंगे लेकिन हम अपनी कोताहियों से सरफ नजर कर लें तो ये मुनासिब न होगा इसलिए कि आज अगर हम आलमी हालात के तनाजुर में देखें तो हमारी बहुत सारी कोताही ने हमें अल्लाह की बहुत सारी नेमतों से महरूम कर दिया है दुनिया में मुसलमान चाह रहा है कि सेफ लाइफ गुजारे सिक्योर लाइफ गुजारे मसाइब व आलाम के पहाड़ उसके ऊपर न तोड़े जाएं। और अल्लाह न करे कभी मुसीबत सर पर मंडलाए तो अल्लाह उसकी हिफाज़त फरमाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कौन सा लाहे अमल तैयार करना होगा तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह की किताब से बेहतर रहनुमाई करने वाली कोई दूसरी किताब नहीं हो सकती उस करीम ने अपनी किताब के ज़रिए उम्म साबिका का तस्करा फरमा दिया है कि उनमें से किन लोगों को किस तरीके से बचा लिया गया और उनमें वो कौन सा फ़न और कौन सी सिफत थी जिसकी वजह से अल्लाह के अजाब से भी अल्लाह ने उन सिफ़ात की बुनियाद पर उनकी हिफाजत फरमाई और परवरदिगार जल्ला जलालू ने उन्हें, उन्हें महफूज व मामून रखा मैं चाहूँगा कि आज मुकम्मल तवज्जो के साथ हमारा हर वो तबका चाहे वो इल्मी हो चाहे वो सरमाएदार हो चाहे वो गरीब हो हर एक बगौर सुनने की जहमत गवारा फरमाएं हो सकता है कि कोई बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए और आज के बाद से अफरा आज के बाद से अफकार नज़रियात के अंदर तब्दीली पैदा हो और हम अल्लाह की नहमत के मुस्तक भी बन जाए और अल्लाह की नमतें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं उससे महरूमी से बच भी जाएँ क़ुरान मुक़दस में रब कदीर जल जलालहू ने कौम लूत का तस्करा फरमाया कौम लूतम बिन न कौमलूत ने अंबिया को जुठलाया कितना बड़ा जुर्म है कितना बड़ा जुल्म है कितना बड़ी कितनी बड़ी ज्यादती है अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर को जुटलाने वाली कौम अल्लाह के अदाब से किस तरह से महफूज रह सकती है मेरे करीम जल्ला जलालहू ने आगे इरशाद फरमाया इन्ना हा से बा तो बेशक हमने उन पर पत्थरों की जोरदार बारिश फरमाई तेज हवाओं की तरह पत्थर उनके ऊपर भेजे मेरे प्यारे आकाश अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों अगर आसमान से पानी की बारिश पानी नाजिल हो आसमान से बारिश बरसे तो आप महसूस कर सकते होंगे कि जब बारिश पूरे शहर में बरस रही हो तो उस बारिश पर हर एक बारिश से हर एक इस्तेफादा करता है और वो बारिश हर एक को भिगोती नजर आती है जो भी बारिश के की जद में आएगा या बारिश जिसके ऊपर भी नाजिल होगी वो इंसान बारिश से फैजियाब भी होगा और बारिश उसके ऊपर गिरती हुई नजर भी आएगी और बारिश से वो अपने कपड़ों को और अपने वजूद को धोता हुआ भी दिखाई देगा लेकिन मेरे प्यारे आका वसल्लम के प्यारे दीवानों मेरे करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना अलैहि महा कि बेशक हमने उनकी तरफ उन पर जोरदार पत्थरों को भेजा लेकिन अल्लाह ने उस कौम के ऊपर जब पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई तो उन पत्थरों की बारिश के अंदर परवरदिगार जल्ला जलालहू ने ऐसे लोगों को महफूज रखा जो अल्लाह के अजाब से महफूज रह गए जिसका जिक्र कुरान ने कहा इल्ला आलूत आल मगर आलूत यानी हजरत लूत अत सलाम की जो आल थी मेरे करीम ने उस आल को महफूज रखा अपने अदाब से और ने आगे इर्शाद फरमाया हूँ बेसहर और उनको रात के पिछले पहर में हमने नजात अता फरमाई और मेरे प्यारे आकाश वसल्लम के प्यारे दीवानों आगे मजीद इरशाद फरमाया मिन इंदना ये हमारी तरफ से उन पर एहसान था ए, मेरे करीम मैं यह जानना चाहता हूँ तूने पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई, जब पत्थरों का तूफान उनके ऊपर आया तो आखिर आले जो है, उसे तूने बचा क्यों लिया आखिर उनमें कौन सी खूबी थी आखिर उनमें कौन सा वस्फ था आखिर उनकी कौन सी अदा थी जो मेरे करीम तुझे पसंद आई कि तूने कौम लूत को तो तबाह कर दिया लेकिन आले लूत की तूने हिफाजत फरमाई तो मेरे करीम जब मेरा करीम जवाब में इर्शाद फरमाएगा कदाली का नजी मन शकर हम ऐसा ही बदला देते हैं शुक्र करने वालों को उनमें एक वस्फ़ था लूत सलाम की आल के अंदर और वो वस्फ़ था कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाते थे वो अल्लाह की नेमतों की कदर करते थे वो नाशुक्री से कभी करीब नहीं हुए थे वो ईमान की कदर करते थे वो दौलत की कदर करते थे वो इस्लाम की कदर करते थे वो पैगंबर की कदर करते थे वो अंबिया की कदर करते थे वो अल्लाह की नहमतों की कदर करते थे ये चला अगर दुनिया का कोई इंसान दुनिया का कोई मुसलमान अल्लाह के आदाब से और कौम की तकालीफ से बचना चाहता है तो वो ईमान वाले के लिए जरूरी है कि वो शुक्र के दामन को थाम ले जब शुक्र के दामन को वो थाम लेगा तो मेरा मौला उस शुक्र करने वाले के शुक्र को जाय नहीं फरमाएगा बल्कि उसकी हिफाजत फरमाएगा आज जितनी भी नमतें हमसे रुखसत हो रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना शुक्री की तरफ हम बढ़ गए हमने अल्लाह की नहमत की ना कदरी की और ये नाकदरी की सजा है जिसकी वजह से आज हमसे रुखसत हो रही हैं जिसकी वजह से आज नहमतों से हम महरूम हो रहे हैं मेरे प्यारे आका वसल्लम के प्यारे दीवानों अल्लाह ने जितनी भी नहमतें अता फरमाई वो चाहता है कि उन नेमतों पर उसका शुक्र बजा लाया जाए इसलिए कि जब नेमतों पर शुक्र कोई बजा लाता है जब नेमतों की कोई कदर करता है तो मुनिम हकीकी उस कदर करने वाले से राजी होता है और उस कदर करने वाले से वो नेमत छीनता नहीं बल्कि उसे मजीद नेमतों से माला माल फरमा दिया करता है आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सऊदी के अंदर रहने वाले गल्फ में रहने वाले मग, ग, गल्फ के अंदर रहने वाले मशरक वस्ता में कारोबार करने वाले या मशरक वस्ता के अंदर मुलाजिमत करने वाले जब उनके पास दौलत की फरावानी थी जब उनके पास मालो जर की फरावानी थी इल्ला माशा मैं सब पर इल्जाम नहीं रखता लेकिन आप जानते होंगे कि उस दौलत की फरावानी की बुनियाद पर क्या किया उन्होंने उस दौलत से तो उन दौलत का इस्तेमाल कुछ लोगों ने तो अच्छे कामों में जरूर किया होगा लेकिन कुछ लोगों ने उस दौलत का इस्तेमाल गलत काम में भी किया होगा अयाशी में भी किया होगा फजुल खर्ची में भी किया होगा गलत कामों में भी किया होगा आज सिचुएशन क्या हो गई मशिक वस्ता में मुलाजिमत करने वाला इंसान से महरूम दिखाई देता है आज उसे परेशानी लाइक है कि मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा तो अपने मुल्क में जाने के बाद मैं क्या करूंगा मैंने वतने अजीज के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं कि वहां से पलट कर आकर मैं अपनी जिंदगी को खुशहाली से गुजार सकूं तो इंसान ये सोचता है कि मशिक वस्ता के खराब हालात हैं जिसकी वजह से यह परेशानी आई लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जरा अपने गिरेबान में भी तो हम झांक करके देखें कि जब कुदरत ने दौलत दी थी जब कुदरत ने सरमा दिया था जब कुदरत ने मालो जर से नवाजा था तो क्या हमने उस दौलत का शुक्र अदा किया था क्या उस दौलत की हमने कदर की थी हमारा हाल तो यह रहा बुराइयों पर बुराइयां करते रहे बदकिरदारियों पर बदकिरदारियां होती रही अयाशियों पर अयाशियां होती रही शादियों के अंदर करोड़ों का खर्च किया जाता रहा और एक दूसरे से दिखावे के अंदर आगे निकलने की कोशिश की गई तो अब परवरदिगार ने अपनी नहमत की नाकदरी देखी तो नहमत छीन रहा है महरूम कर रहा है आप जरा अंदाजा लगाए मेरे प्यारे आका सल्लाह वसल्लम के प्यारे दीवानों ये एक बात ये एक नहमत का मामला नहीं है आप तारीख उठा करके देखें सिर्फ दौलत का मामला नहीं जान का मामला नहीं हर एतबार से आप देखें नेमत की नाकदरी आज शादियां होती हैं खानों की नाकदरी कितनी होती है बहुत सारा खाना डस्टबिन में डाल दिया जाता है बहुत सारा खाना जाय कर दिया जाता है मैं पूछना चाहता हूं इन नेमतों का हिसाब कौन देगा मैं जब इमा हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सूती की किताब पढ़ रहा था और उसमें जब सुम्म लतुसल्ला योमी नईम की तफसीर उसके अंदर बयान जब की गई

फिर हमसे किन नेमतों का सवाल होगा तो आकाए करीम फरमाते हैं क्या तुम अच्छे जूते और ठंडा पानी नहीं पीते हो कयामत में मेरा बौला इसका भी तुमसे सवाल पूछेगा जिस मुन हकीकी ने हमें सब कुछ अता किया उसका हक है कि वो हमसे सवाल पूछे उसने आंख अता फरमाई कान अता फरमाए दिलता फरमाया किस लिए दिया क्या वजह थी देने की तो कुरान खुद जवाब में कहता है के इन सारी चीजों के देने की वजह यह थी वह वल्लवी अंश अलकुम वजह उस समारा वाला फिदा कली लम्मा तस्कुरून जिस परवरदिगार जल्ला जल ने आंख कान और दिल फरमाए यह सारी चीजें देने की वजह यह थी ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ना हमने दिल का शुक्र अदा किया ना हमने आंख का शुक्र अदा किया ना हमने कान का शुक्र अदा किया बल्कि हमने ना उसकी कदर की आज आंख है मैं पूछना चाहता हूं इन आंखों में रोशनी किसने अता फरमाई आपने कितनी मेहनत से ये रोशनी हासिल की है तो आपका जवाब होगा ये मेरे करीम का करम है कि बिन मांगे उसने आंख भी अता फरमाई और आंख की रोशनी भी अता फरमाई उस करीम का करम है कि बिन मांगे उसने कान भी अता फरमाए और समाज भी अता फरमाई बिन मांगे उसने दिल भी अता फरमाया और धड़कने की कुव्वत भी अता फरमाई ये सारी चीजें तो इसलिए थी ताकि उसका शुक्र अदा किया जाए लेकिन आंखें गलत कामों में खर्च हो रही हैं, जबान गलत कामों में खर्च हो रही है कान गलत काम बातों को सुनने में खर्च हो रहे हैं दिल गलत मोहब्बत के अंदर खर्च हो रहे हैं हमने इसकी कदर नहीं की हमने इसका शुक्राना अदा नहीं किया इसलिए अब जो बात कर रहा हूं गौर से सुनना यही वजह है जब आंखों की कदर हमने नहीं की तो दुश्मन और दोस्त के दरमियान तमीज न कर सके जब आंखों की कदर हमने नहीं की तो हालात देखने की कुव्वत खत्म हो चुकी जब आंखों की कदर हमने नहीं की तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक रही है यह भी हमें नजर नहीं आ रहा जब आंखों की कदर हमने नहीं की तो हमारी बिनाई कमजोर हो गई लेकिन जिन लोगों ने आंखों की कदर की उनका हाल यह था कि वो मस्जिद में रह करके नेहावन का मुशाह करते नजर आते हैं इसलिए कि उन्होंने आंखों से कुरान देखा था और मुस्तफा के जमाल को देखा था जिन मुसलमानों की रातें आंखों को गंदी करने में गुजरती हूं उन्हें जमीनी हकाइक नजर नहीं आते जिन लोगों की आंखें गंदी पिक्चरें देखती हूं उन्हें दुनिया के हालात नजर नहीं आते रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों अल्लाह ने ये सारी चीजें इसलिए अता फरमाई ताकि हम इसकी कद्र करें और इसका शुक्र बजा लाएं हजरत मुसकअली मुला सलात व तस्लीम से उनकी उम्मत ने उनकी कौम ने मुतालबा किया कि जिस रब की तरफ आप बुलाते हैं हम उसे देखना चाहते हैं पर जलालू से मुतालिक इस मुतालबे से अल्लाह नाराज हुआ और उन्हें मौत की वादियों से गुजार दिया मर गए वो सब जरत मूसा कलीमुल्लाम को अपनी उम्मत और अपनी कौम की मौत पर अफसोस हुआ और बार गाहत में हजरत मूसा ने दुआ की कि मेरे करीम मेरी कौम को दोबारा जिंदगी अता फरमा तो एक दिनों रात मुर्दा होने के बाद कुरान कहता है बासना कुम्बादी मौत कुंभ फिर अल्लाह ने उनको जिंदगी दी उनकी तो उनकी मौत के बाद और उनसे कि तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारी मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई किसलिए अता फरमाई लाल लकुम तस्करून था कि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ जिंदगी इसलिए दी गई कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं हम थैंक यू कहना तो नहीं भूलते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना जरूर भूल जाते हैं एक गिलास अगर कोई पानी पिला दे तो हम उसे थैंक यू कहना नहीं भूलते लेकिन कुरान कहता है आसमान से पानी किसने नाजिल किया मिनल हम नहनुल आज जिस आसमान से अल्लाह पानी नाजिल फरमाता है या आसमान से पानी जो नाजिल होता है हम उसे पीते भी हैं उससे सैराब भी होते हैं उससे अपनी जरूरतों को पूरी भी करते हैं और इस पानी को मामूली पानी ना समझना कुरान कहता है वंजल ना मिनस समा मुबारक यह आसमान से जो नाजिल कर रहे हैं हम जो पानी यह पानी मामूली पानी नहीं यह बरकत वाला पानी है यह बारिश का पानी बरकत वाला पानी है मेरा करीम पूछ रहा है बंदों से आं तुम अंजल मिनल मुजन अब नहनुल मुंजुल या आसमान से बारिश तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं और फिर जमीर इंसानी को झिंझोड़ते हुए मेरे करीम ने अपने बंदों से पूछा लो नशा ना हो उजाजा अगर इस पानी को मैं खारी कर देता जैसे समंदर का पानी खारी होता है नमकीन होता है पीने के लायक नहीं होता मेरा करीम अपने बंदों से पूछता है अगर इस आसमान से नाजिल होने वाले पानी को मैं खारी पानी कर देता तो क्या होता और फिर जमीर को जिन जोड़ते हुए कहा फलौला तशकुरून क्या अब भी तुम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करोगे मैं पूछना चाहता हूं वो मुर्ग बहुत अच्छा है जो एक कतरा पानी पीकर अपना चेहरा आसमान की तरफ करके अल्लाह का शुक्र बजा लाता है नादानो हम तो मुर्ग से भी कमजोर हुए कि अपने रब के अटा करदा हजार हा लीटर पानी पी चुके लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह भी याद नहीं रहता और ना अल्लाह का शुक्र अदा करना याद रहता है कभी चश्मे तस्वुर से सोचें। खुदा न करदा अगर आसमान से भी पानी नमकीन नाजिल होता खारी नाजिल होता तो क्या होता अब मौला ने मीठा क्यों नाजिल किया ताकि उसका शुक्र अदा करो और मैं जब पैगम्बर वसल्लम की हदीस और आपकी फिक्र उम्मत को पढ़ता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है या कितना एहसान है मदीने के ताजदार वसल्लम का कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी जब पियो तो पानी को देख लिया करो पानी में देख लिया करो कोई कीड़ा तो नहीं है कोई जरासीम तो नहीं है कोई ऐसी चीज तो उसके अंदर गिरी हुई नहीं है जो तुम्हारी सेहत के लिए मुजिर हो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि साइंसदा अगर आज कोई तहकीक पेश कर दे तो मुसलमान मान लेता है और अगर कहा जाए कि नबी ने यह फरमाया तो उसे नजरअंदाज कर देता है आज अगर साइंसदा यह कहे कि खड़े होकर पानी पीने से हार्ट अटैक होता है तो आदमी बैठकर पानी पीने को तैयार हो जाए लेकिन मदीने के ताजदार तीन सांस के अंदर पानी पीने का हुक्म बता फरमाते हैं और बैठकर पीने का हुक्मता फरमाते हैं मैं ऐसे जालिमों को मैं ऐसे जालिम मुसलमानों को रास्ते के अंदर खड़े रहकर और शादियों की तकारीफ के अंदर खड़े रह करके पानी पीते हुए देखता हूं जो मुस्टंडे हैं उल्टे हाथ से पानी गड़गड़ गड़गड़ करके पीते नजर आते हैं लेकिन साइंस कह दे तो बैठ जाएंगे नबी कहेंगे तो हिचकिचाहट होती है रसूल गिरामी वकार सल्लाह के प्यारे दीवानों कुरानी मुकदस ने जा बजा शुक्र के हवाले से फरमाया जा बजा शुक्र के हवाले से फरमाया आप देखें जमीन पर हम खड़े होते हैं और इसी जमीन के अंदर से हमारा जरिए माश है अनाज इसी जमीन से निकलता है फल फ्रूट इसी जमीन से निकलते हैं जमीन के अंदर अल्लाह ने खजाने रखे हैं और यह भी याद रखें जमीन की एक किस्म नहीं जमीन की बेशुमार किस्में हैं और मुख्तलिफ जमीन की मुख्तलिफ किस्में खुद अल्लाह के वसल्लम ने और पर कुरने मुकद्दस में बयान फरमाई है हम जमीन पर चलते हैं दन दनाते हुए चलते हैं और खतर चलते हैं जहां तबीयत चाहती है वहां चल चले जाते हैं कभी अच्छाई की तरफ कभी बुराई की तरफ हम खड़े होते हैं कभी किसी के इंतजार में आज का नौजवान पता नहीं किसके इंतजार में खड़ा रहता है अब तो वो पैर बहुत कम हो गए जो अल्लाह की इबादत के लिए रात भर खड़े रहते हो अब ऐसे पैर नहीं है अब तो मस्जिदों में भी कुर्सियां लग गई अल्लाह सबको महफूज रखे ये पैर जिस पर अल्लाह ने खड़े रहने की हमें कुवतता फरमाई और ये जमीन जिसके अंदर से अल्लाह ने हमारी जरूरियात की चीजें और जरिए माश को हमारे लिए पैदा फरमाया क्यों पैदा फरमाया तो यहां भी कुरान कहता है वलकद मक्कन नाकुम फिल अर्थ वजाल फिहा महाश कली लम्मा बेशक हमने जमीन पर तुमको तमकना तथा फरमाई और उसमें से तुम्हारे लिए जरिए माश बनाया लेकिन बहुत कम है जो शुक्र अदा करते बहुत कम है आओ मैं तुम्हें बताऊं इन पैरों का शुक्र इन पैरों की कदर क्या होती है उमलिनत आयशा सिद्दीक आकाए करीम अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाती हैं कि रसूल गिरामी अलैहि वसल्लम को मैंने रात भर कयाम की हालत में देखा हत्ता तवर रमत कदमा आका के दोनों पैर पर वरम आ चुका था वरम आ चुके थे आपके दोनों पैर पर जब सरकार ने नमाज मुकम्मल फरमाई तो हुजूर से अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी वजह से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ नहीं कर दिया फिर आप इतना तवील कयाम क्यों फरमाते हैं तो कुर्बान जाइए मेरे आका के जवाब पर कोई और जवाब नहीं था जवाब था अफला अकुन अब्दन दकूरा क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा न बनू वो लोग जो माशूका के इंतजार में खड़े होते हैं मैं उनसे पूछता हूं इमाम अगर तवील करत कर दे तो तुम्हारे पैरों में तकलीफ हो जाती है अरे ये पैर तो है ही इसलिए ताकि कयाम में तुम रहो और अपने पैरों का शुक्र अदा करके अल्लाह जल्ला की बारगा में शुक्राने के नजराने को पेश करो और यही वजह है जितने भी अवलिया हैं जितने भी असफिया हैं जितने भी अतकिया हैं वो पूरी पूरी रात कयाम में गुजारते हुए दिखाई देते हैं हमने पैरों का शुक्र अदा नहीं किया हमने अल्लाह की नहमत का शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रोजी का शुक्र अदा नहीं किया नतीजा ये हुआ कि नुखसत हो रही हैं आकाए करीम रऊफ और रहीम अली तहतोब तस्लीम ने आकाए करीम रऊफ और रहीम अलही तहतोब तस्लीम से सरकार ने साहबा के राम अलहमदवान से फरमाया नेमतें वैसी जानवर की तरह होती है यह गौर से सुनिएगा कुछ याद रहे या न रहे ये हदीस याद रखिएगा आज नेमतें वैशी जानवर की तरह होती हैं वैशी जानवर को अगर खूंटे से न बांधा जाए तो भाग जाता है ऐसे ही नेमतें भी भाग जाती हैं साहबा ने अर्ज किया या रसूल सल्लाम तरीका क्या है सरकार ने फरमाया शुक्र सरकार ने फरमाया नमतों को बांध दो अल्लाह के शुक्र से यानी जब जब तुम्हें नहमतें मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो ये नहमतें जाएंगी नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हें मजीद नहमतों से माला माल फरमा दे आज हमने किस नेमत की कद्र की माफ करना ईमान जैसी नेमत की भी मुसलमान ने कद्र नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा महबूब, अल्लाह ने हमें अता फरमाया हमने क्या कद्र की कद्र यह है, उनसे दिल लगाते उनकी यादों में अपनी रात गुजारते उनकी मोहब्बत में आंसू बहाते उन पर सलाम का नजराना पेश करते उनकी मोहब्बत लोगों में मुंतकिल करते उनके एहसानात का तस्करा करते उनकी करम नवाजियों का तस्करा करते उनकी जुल्फों का तस्करा करते उनके रुखे जैबा का तस्करा करते ये सारी चीजें हम करते लेकिन हमने पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम नेमत की भी हमने कदर नहीं की मैं हैरान हूं कि मेरे करीम ने सारी नेमतें अता फरमाई बहुत सारी नेमतें अता फरमाई लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया लेकिन उसके कारखाने कुदरत में जो सबसे बड़ी नहमत थी उस नहमत को दे करके उसने एहसान जताया ताकि तुम किसी नेमत की कद्र करो या ना करो इस एक नहमत की अगर तुमने कद्र कर ली तो इसके सदके में सारी नहमतें मिल जाएंगी और वो नहमत है जिस पर अल्लाह ने एहसान जताया वो मुस्तफा जान रहमत हैं, जिसकी जिनके हवाले से कुरान कहता है लकद इमाम इसको मोहब्बत इस अजीम नहमत की कद करते हुए हम दे बारी ताला भी बजा लाते हैं तो यू बजा लाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया हमने किस नेमत की कदर की हमने नेमतों का मजाक उड़ाया नेमतों का मिसयूज़ किया और एक बात खास तौर तो पर जहन में रख लें अगर कोई नेमतों शुक्र नहीं बजा लाता, तो उस पर शैतान का असर है कुरान की रोशनी में, शैतान का असर है उसके ऊपर इसलिए कि लानत का तोक डाल करके जब शैतान को जन्नत से निकाला गया तो उसने कहा था मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और फिर कहा था वला तजीद अक्सर हूं और तू न पाएगा उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला यानी तेरे बंदों को इस तरह से मैं बहकाऊंगा कि तेरे ज्यादातर बंदे तेरी नहमतों के ना शुक्र होंगे पता ये चला अगर कोई नहमतों की ना शुक्री कहता है तो वो शैतान के असर को कबूल कर चुका है शुक्र वो अदा करता है जो शैतान के असर से बचा हुआ रहता है नेमतों की कदर करो हर नेमत के बारे में सवाल होगा हर नेमत के बारे में एहत्या होगा जितनी भी नेमतें अल्लाह की तरफ से मिले उसकी कदर करो उसकी नाशुक् मत करो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अगर कोई शुक्र अदा करता है तो मौला की शान नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती मौला की शान बल्कि शुक्र अदा करने वाले का खुद ही का भला होता है इसीलिए कुरान ने कहा वमन यशक अगर आज मुसलमान यह चाहते हो कि खोया हुआ या वकार मिल जाए वकार ना जाए आबरू न जाए इज्जत न जाए दौलत न जाए नहमतें न जाए तो बस एक ही काम करना है उसकी कदर करना शुरू कर दो और कदर क्या है कदर क्या है एक मिसाल के जरिए समझा दो याद रखकर जाइएगा कदर क्या है इसे मिसाल के जरिए समझाऊं। जूते या चप्पल कहां के लिए हैं पैर के अंदर पहनने के लिए पैर में पहनने के लिए या हाथ में पहनने के लिए जवाब दें आप हजारों का मजमा है कहां पहनने के लिए पैर में पहनने के लिए लेकिन अगर कोई जूते हाथ में पहन ले या सर पर रख ले तो ये जूते की कदर होगी या ना कदरी होगी टोपी को अगर कोई पैर में रख ले तो इसलिए कि टोपी कहां के लिए बनी है सर के लिए बस इतनी सी बात समझ लो आंख दिल कान दौलत जो कुछ भी नए मतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, उसने एक बात कह करके एक आयत में परवरदिगार जल्द जला ने उसकी कदर का अजीम नुस्खा हमें अता फरमा दिया कि देखो मैंने ये सब कुछ दिया है अब तुम्हें करना क्या है अपनी तबीयत के मुताबिक यूज ना करो लकद कान का न लकू फ हसना बस अब तुम सारी चीजों का इस्तेमाल उस तरीके से करो जिस तरह मेरा महबूब किया करता था अगर तुम उस तरह से करोगे तो मेरी नेमतों की कदर होगी अगर उसके खिलाफ करोगे तो मेरी नेमतों की नाकदरी होगी और ये बात याद रखें अल्लाह जब भी नेमत देता है तो उस नेमत के पीछे इम्तिहान ही मकसूद होता है हजरत सलाम ने एक बड़ा कारनामा न, उनके खादिम ने उनके साहबी ने अंजाम दिया और उस कामयाब कारनामे पर हजरत सलाम कहते हैं मिन फजल रब्बी, और फिर कुरान की आयत सुने अम अश्कुर ये मेरे रब का फजल है और मेरा मौला ये इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूं या ना शुक्री करता हूं शुक्र क्या है शुक्र ये है कि ये नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई है इसमें मेरा कोई मामला नहीं ये सब कुछ अल्लाह का कर्म है तो नेमतें मिले अपनी होशियारी ना समझो कुदरत का कर्म और जब कुदरत का तो अल्ला का समझोगे तो अल्लाह अल्लाह की कदर का जज्बा पैदा होगा तो आज का मेरा पैगाम पूरी दुनिया की अगर आप हालात का जायजा लें तो एक सबसे खराब मर्ज जिसमें मुसलमान गिरफ्तार है जिसकी वजह से सब कुछ उसके हाथों से जा रहा है और वो चीज है अल्लाह की नेमत की ना कदरी और ना शुक्री इसलिए अल्लाह की नमत की कदर करें ना शुक्री से परहेज करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें जब कभी और इसके लिए आसान सा तरीका ना शुक्री कब होती है जब दुनियावी मामिल के अंदर अपने से बेहतर को आदमी देखता है तो ना शुक्री पैदा होती है और वो ना शुक्री करता है उसके पास बंगला है मेरे पास घर नहीं उसके पास गाड़ी है मेरे पास बाइक नहीं ना शुक्री तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनियावी मामलात के अंदर अपने से कम तर को देखो तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे एक छोटे कद वाले को हुजूर ने देखा फौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए और सरकार ने सद्दा किया साहबा ने पूछा हुजूर सद्दे की वजह अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा पैदा फरमाया इस पर मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ तो नीचे वालों को देखोगे तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा और अपने से दुनि दुनियावी मामलत के अंदर अपने से बेहतर को देखोगे तो नाशुरी की पोजीशन पैदा होगी ए रसूल आजम वसल्लम के दीवानों ये इज्तमा जो सुन्नी दावत इस्लामी का मनद किया जाता है असलाह अकायद असलाह अफकार इसलाह अमाल असलाह नज़रियात तालीम को फ़रोग अखलाक को फ़रोग इसके लिए मनद किया जाता है मैं जुमला मुसलमान से गुजारिश करूँगा कि तहरीक से वस्ता हूँ और अपने अफकार नजरियात को दुरुस्त करते हुए आप पैगम्बर वाले की तालीमत पर अमल करें हमें खुशी है कि आज हम उस सरजमीन पर इज्तम कर रहे हैं जिस जिस सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बरगजीदा बंदा आया जिसकी जिंदगी इश्क रसूल के चिराग रोशन करने में गुजरी जिन्हें दुनिया हजरत शाह सूफी अनवारुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है उन्हीं की निस्बत से इस ज, इसे जगह ज़, इस को हमने वादी अनवार का नाम दिया अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अनवारुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़ो तुफैल हम सब के सीने को नूर ईमान और नूर इस्लाम से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए व अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन अस्सलामु अलैकुम मेरी गुजारिश है आपके अंदर जज्बा शुक्र का पैदा होगा हफ्तावारी सुन्नी इज्तेम में आप शरीक होंगे तो जुड़ जाए सुन्नी दावत इस्लामी से ये मैं आपको बता दूं हमारे पास अरबों रुपए नहीं है न करोड़ों हैं इसलिए हम छोटा अपना इज्तम कर लेते हैं लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे यहां एक आने वाला हजारों पर भारी है इसलिए कि हर आने वाला मोहब्बत रसूल लेकर के आता है और इसके रसूल अनमोल चीज है बड़ी कीमती चीज है आपसे मेरी गुजारिश विकली इजमा में आए काफलों में शरीक हो आप भी रसूल आजम की मोहब्बत का चिराग दूसरों के सीने में रोशन करने की कोशिश करें वक्त की कदर करें और सही तौर पर दीन मदीन की खिदमत के लिए आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ जाए असल वरहमी वबरक आप हज़रा तशरीफ़ रखें अब जिक्र दुआ का वक्त हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि वो बत्तियों को भुझा दें आप अपने सेलफ़ोन पर्स वग़ैरह हिफाजत के साथ रखें इनशाला ज़िक्र दुआ होगा उसके बाद सलात सलाम पढ़ा जाएगा आप हजरात अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें जो हज़रा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाइट को बंद कर दें अंदर की ग्राउंड की जो लाइट है बिलखसूस स्टेज के पास जो लाइट है उस लाइट को बंद कर दें ताकि ज़िक्र का आगाज हो सके मेरे प्यारे आकारत तस्लीम के पैर आज हमारा ये दो रोज़ा इजतमा आपके हैदराबाद की सरज़मीन पर हुआ इनशा हमारा जो अगला सालाना इजतमा है वो मालेगाँव की सरजमीन पर होने वाला है मोहब्बत से कहें इनशाला एक और दो मार्च को मालेगाँव की सरजमीन पर सुनी दावत इस्लामी का दो रोज़ा अजीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इजतमा होने वाला है और आपको जानकर खुशी होगी कि मालेगाँव की सरजमीन पर होने वाले सालाना सन्जमा में मुबलगिन के साथ बुलबुल बाग मदीना के साथ कारी रियाजुद्दीन अशरफ़ी साहब किबला के साथ आमीर सन्नीदाउत इस्लामी के साथ इनशाला मुफ्र इस्लामाम कमरज़म खान आज़मी साहब भी मौजूद होंगे और मब्बत से कहें इनशाला इस्लाम इस्लामाम कमरज़मा खान आज़मी साहब भी मालेगाँव की सरजमीन पर होंगे साथ ही महक्के मसाइले जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब कबला भी होंगे जो जदीद दौर के सवालत आज के तरक्की याफ्ता दौर के जदीद सवालत और उनके जवाब इन शाला वो देंगे मेरी गुजारिश है आप दूर रह कर भी अगर हमारे इन सालाना सुन्नी इजतम में शर्क होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस यूट्यूब पर जाएँ और उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब डॉट कॉम स्लेशी आई चैनल आप इसे नोट कर लें या जहन में महफूज कर लें YouTube.com/sdichannel चैनल आप इस पर जाएँ सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकन होगा आप उस पर क्लिक करें इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या आपको बार बार यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है हमारे इजतमात जहाँ कहीं भी होंगे नए वीडियोस जो अपलोड होंगे नई नाशरीफ जो अपलोड होगी नए इजात के क्लिप्स जो अपलोड होंगे फ़ौर आपको इन शाह उसका एक मैसेज आएगा और आप जो है बसानी उन इजतम में अपने मुल्क अपने शहरों में रहते हुए शरीक हो सकते हैं तो मेरी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मुझे खुशी हो रही कहते हुए अलहमदिल्ला चंद रोज़ गुजरे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर एक लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और महब्बत से कहें अगर वादी अनवार में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो यूट्यूब पर दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उन्होंने सुनी दावत इस्लामी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द सुनी दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों रात भर हमारी कौम के नौजवान गलत गलत चैनल्स तलाश करते रहते हैं बुरे और गुनाहों वाले वीडियोस तलाश करते रहते हैं और अगर मिल जाए तो उसकी लिंक अपने दोस्त अहबाब को शेयर करते हैं मेरी गुजारिश है इन गुनाहों से अपने आप को बचाओ और दीनी बातें सीखने सिखाने के लिए अपने नाम आमाल की नेकियों में इजाफ़ा करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर आई बेल आइकन पर आप उस ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ आप लाइव ब आसानी देख सकें असल जैसा कि हज़रत ने ऐलान किया अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने कि हफ़्तावारी इज्तम में शरीक हो आप जिस जिस इलाके से आए हैं वहाँ पर अगर हफ्तावारी सुन्नी दावत इस्लामी का अज्त होता है तो ज़रूर शिरकत करें और अगर नहीं होता तो वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ हैदराबाद के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे रब्त करें इन इलाक़ों में तहरीक का काम भी शुरू होगा और जो हैदराबाद वाले हैं उनसे गुजारिश है कि हर हफ़्ता बाद नमाज ईशा मोती मस्जिद नया पुल दिल्ली दरवाज़ा यानी मदीना सर्कल के पास में जो बलाला इनकलेव है उसके बाजू गली में मोती मस्जिद है और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से वहाँ पर प्रोग्राम हफ्तावारी चल रहा है आप सभी से गुजारिश है कि 9 बजे प्रोग्राम का आगाज़ होता है साढ़े ग्यारह बजे प्रोग्राम का अख्तितमाम होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इज्तम के बाद हमारे दिल भी तब्दील होंगे और हम अपने वक्त को गनीमत जानते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूर ऐसे दीनी महाफिल से हम वापसता होंगे याद रखें हर हफ़्ता बाद नमाज ईशा मोती मस्जिद नेहापुल दिल्ली दरवाज़ा में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तम होगा जिनको यहाँ के इज्ति के विजिटिंग कार्ड्स दिए गए थे उनके उनको उनके कार्ड के पिछले हिस्से में यानी कार्ड के पिछले हिस्से में हफ्तावारी इज्तिम की दावत भी है एड्रेस भी है फ़ोन नंबर भी है आप ज़रूर रब्त कर पैदा कर सकते हैं اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم मऊलाना दिन आइए तस्वुर ही तस्वुर में हम हर हमे काबा पहुँचते हैं अपनी अपनी आंखों को बंद कर लें जहन में जो कुछ बसवसात आते हैं उनको दूर निकाल करने की कोशिश करें और ये तस्वर करें कि हम वादी अनुार ईदगाह में नहीं बल्कि हमारा ये अज़ीम शान काफ़िला ख़ान काबा पहुंच चुका है अपनी अपनी गर्दनों को झुका लें अपने गुनाहों के सबब अपनी गर्दनों को झुका लें बड़े ही शर्मिंदगी के साथ

أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. ربي ربي من كل من كل ذنب واتوب إليه واتوب إليه حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا 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 اللَّهُ لا اله الا الله لا اله الا الله

رسول <سؤال> الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله طلع البدر علينا من سنيع تلوداعي من سنيع تلوداعي وجب الشكر علينا عليه صلوات الله عليه صلوات الله الا الله الا الله